Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive gamified contest for GATE till date. With the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now. हेलो एवरीवन, जरा देखिए क्या सब लोग, आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीवन, क्या सब लोग मेरे को देख पा रहे हैं और क्या सब लोग मेरे को सुन पा रहे हैं क्या? देखिए जरा जल्दी से बताइए, आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीवन, आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीवन, क्या सब लोग मेरे को देख पा रहे हैं और क्या सब लोग मेरे को सुन पा रहे हैं? यस और नो, कम ऑन आंसर करिए, क्या सब लोग मेरे को देख पा रहे हैं और क्या सब लोग मेरे को सुन पा रहे हैं? जस्ट गिव मी अ सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड. ठीक है, डिस्कवर. यस, सो गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग. चलिए आइए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी बातों को, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी बातों को. गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग. तो अगर सब लोग मेरे को देख पा रहे हैं तो चलिए हम लोग अपनी बातों को स्टार्ट करते हैं. मतलब कल जो मैं आपसे बात कर रहा था वो किसके बारे में बात कर रहा था? मैं आपसे लिक्विड लिमिट के बारे में बात कर रहा था. मैं लिक्विड लिमिट को आपको बताया था, एक नोट बताया था कि हाउ कंप्रेसिबिलिटी इज इंक्रीजिंग एज वी आर इंक्रीजिंग द वाटर कंटेंट. ठीक है, और उसके बारे में हमने बहुत डेप्थ में बात करी थी. नाउ विल सी व्हाट आर द वेरियस मेथड्स हाउ वी कैन फाइंड द लिक्विड लिमिट, कैसे हम लोग लिक्विड लिमिट को फाइंड करते होंगे वो देखेंगे. ठीक है सर, ये बात तो हमारे समझ में आई. मतलब उसके पहले मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, तो मैं मेरे बारे में बताता हूँ, फिर आपके सारे बात, फिर उसके बाद हम लोग अपनी स्टडीज को स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर देंगे सब लोग, तो फिर हम अपनी बातों को शुरू कर पाएंगे. एक बार जल्दी से सब लोग सेशन को शेयर कर देंगे, तब तक मैं अपने बारे में बात करता हूँ. तो आप लोगों को मेरे बारे में पता है कि माय नेम इज प्रतीक मिश्रा. अगर आप मेरे बारे में बात करेंगे तो माय नेम इज प्रतीक मिश्रा. ठीक है, तो दिस इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टिल नाउ आई हैव मेंटोर्ड मोर देन 50,000 स्टूडेंट. अभी तक 50,000 से ज्यादा स्टूडेंट को मेंटोर कर चुका हूँ. दिस इज माय टीचिंग एक्सपीरियंस, आई हैव अ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 5+ ईयर. आउट ऑफ दिस
ट्रांसपोर्टेशन, सर्वेइंग, एनवायरमेंट, हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन, आरसीसी, दीज आर फ्यू ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट्स. ठीक है, मैंने बताया कि यहाँ पे आप ये जो देख रहे हो प्रतीक 101, मैं हमेशा बोलता हूँ दिस इज नॉट द कोड, दिस इज द बॉन्ड विच इज कनेक्टिंग मी एंड यू ओवर द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, विच इज लाइक इट इज नॉट अबाउट यूजिंग द कोड वाइल गोइंग फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन. इट इज अबाउट हाउ एंड वेन और थ्रू होम यू आर गाइडेड टूवर्ड्स योर जर्नी फॉर 22 गेट 22. ठीक है, ये बात करी हम लोगों ने, तो ये बात तो हमारे समझ में आई. मैंने बोला चलो और आगे बात को स्टार्ट करते हैं. तो मैंने बोला इट इज ऑल अबाउट मेंटरशिप, ये 10% का गेम नहीं है, पूरा गेम किसका है, मेंटरशिप का है. ठीक है सर, मैंने और बात करते हैं तो देखेंगे जरा यहाँ पे दो अनअकैडमी के पेड इनिशिएटिव्स आपको देखने को मिलेंगे, वन इज इन द फॉर्म ऑफ आइकॉनिक एंड वन इज इन द फॉर्म ऑफ प्लस. तो प्लस में आपको क्या दिखेगा, आपको लाइव कोर्सेज दिखेंगे, क्रैश कोर्सेज दिखेंगे, वीकली टेस्ट दिखेगा, डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, ये सारी चीजें आपको कहाँ देखने को मिलेगी, प्लस कोर्स में देखने को मिलेगी. मैंने इसके अलावा आइकॉनिक सेक्शंस में अगर मैं बात करूं तो अगर आप थोड़ा और ऊंचा उड़ान उड़ना चाहते हो तो उसके लिए बनाया गया है प्लस आइकॉनिक कोर्स, जिसमें एक पर्सन आपके लिए अलॉट किया जाता है जब वाइल योर एजुकेटर्स आर बिजी, तो आपको ये पर्सनल कोच आपको थ्रू आउट द जर्नी आपके डाउट सॉल्विंग में हेल्प करेगा. आपके लिए एक पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस बनाया जाता है, आप लोगों के लिए स्टडी प्लानर बनाया जाता है. सर इसका क्या मतलब है सर, ये पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस, मतलब अंटिल एंड अनलेस जब तक आपको ये बात नहीं पता होगी कि आपसे क्या मिस्टेक हो रही है, तब तक आप कभी सही नहीं कर पाओगे, अपने मिस्टेक्स को रेक्टिफाई नहीं कर पाओगे. उस केस के लिए बनाया गया आपका पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस. ठीक है सर, ये बात तो हमारे समझ में आए. मैंने ये जो बैच देख रहे हैं आप, लक्ष्य बैच एंड आरोहन बैच, लक्ष्य बैच इज फॉर गेट एंड ईएससी 22 एंड आरोहन बैच इज फॉर गेट एंड ईएससी 23. तो अगर आपको लगता है कि आपको इस बैच को ज्वाइन करना चाहिए तो यू कैन ऑब्वियसली ज्वाइन दिस बैच. ये 16th ऑफ जून से ये बैच स्टार्ट हुआ है, तो यू कैन ज्वाइन दिस बैच. ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आपने अभी तक प्लान नहीं किया तो यू शुड गो फॉर इट. ठीक है, ये हुई बात. मैंने बोला सिमिलरली दूसरा देखेंगे हम लोग स्पार्क एंड वर्ब बैच की बात करी, दिस इज द ओनली इंग्लिश बैच जो आपको देखने को मिलता है. तो इफ एनी ऑफ द साउथ इंडियन स्टूडेंट वॉचिंग दिस एंड दे आर विलिंग टू ज्वाइन द क्लासेस, दे कैन ज्वाइन दिस बैच. ठीक है सर, ये बात हमारे समझ में आया. मैंने बोला देखो तीसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ प्राइस हाइक के बारे में, अगर आप लोगों को नहीं पता है अभी भी तो आई एम टेलिंग यू कि दिस इज द टाइम जब बहुत सारे लोग प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं और ये प्राइस हाइक होने वाला है. आप लोगों का जो भी सब्सक्रिप्शन कॉस्ट रहता है उसका प्राइस हाइक होने वाला है. तो आई एम सजेस्टिंग यू कि अभी तक आपने अगर प्लान नहीं किया है और अगर आप प्लान करना चाह रहे हैं तो गो फॉर इट, बिकॉज दिस प्राइस हाइक इज गोइंग टू टेक प्लेस वेरी सून. ठीक है, बहुत जल्दी आपका जो भी अनअकैडमी का कोर्स है उसका प्राइस बढ़ने वाला है. ठीक है, मैंने बोला नेक्स्ट बात करते हैं. तो ये देखिए प्राइस, सर प्राइस है क्या ये तो बताओ पहले, प्राइस हाइक तो बाद में बताना. मैंने ये देखो 12 मंथ का जो भी कोर्स लेते हो इट इज ऑफ 27,225, मैंने 18 मंथ का जो कोर्स लेते हो इट इज ऑफ 34,650 एंड 24 मंथ का कोर्स लेते हो इट इज ऑफ 39,600. सिमिलरली अगर मैं आइकॉनिक केस की बात करता हूँ तो आइकॉनिक में 12 मंथ का जो कोर्स है इट इज ऑफ 45,225 और अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ आइकॉनिक के लिए तो इट इज ऑफ 66,600. ठीक है, ठीक सर. मैंने बोला ठीक है कॉम्बैट की बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे. अभी पहले हम लोग बात करते हैं अपने टॉपिक की बात करते हैं कि मैं आप लोगों से अब क्या बात करना चाहता हूं. ठीक है, तो मैं आपसे पहले टॉपिक की बात करता हूं, लिक्विड लिमिट के बारे में हम बात कर रहे थे. तो इज एवरीवन रेडी, जल्दी से बताइए जितने भी मेरे चीते हैं सब तैयार हैं, सब तैयार हो बोलो हाँ या ना जल्दी से. ठीक है, कम लोग दिख रहे हैं चीते जितने भी हमारे. ठीक है, कम चीते दिख रहे हैं, जल्दी से बताइए क्या सब लोग रेडी हैं, तो हम अपनी बातों को स्टार्ट करेंगे. ठीक है, हम अपनी बातों को स्टार्ट करेंगे. ठीक है, अगर सब लोग रेडी हैं तो हम अपनी बातों को स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो चलिए ये बात, आज के सारे लाइव लेक्चर देखूंगा रोज. हाइड्रोलॉजी बहुत अच्छा हुआ है आज, थैंक यू ब्रो, थैंक यू सो मच. ठीक है, आई जस्ट ट्राइड माई बेस्ट कि सारी चीज़ें आपको अच्छी ही मिले. ठीक है, आई जस्ट ट्राइंग माई बेस्ट कि सारी चीज़ें आपको अच्छी मिले. ठीक है, तो चलिए ये बात करना स्टार्ट करते हैं, चलिए ये बात करना स्टार्ट करते हैं. तो मैंने बोला आज हम लोग बात करने वाले हैं लिक्विड लिमिट के बारे में. तो लिक्विड लिमिट की बात चल रही थी हमारी कल, तो मैंने किसकी बात कर रहे थे हम लोग, लिक्विड लिमिट की बात कर रहे थे. किसकी बात कर रहे थे, लिक्विड लिमिट के बारे में बात कर रहे थे. अब सर ये लिक्विड लिमिट क्या होता है और इसको कैसे देखते हैं, तो आपको लिक्विड लिमिट मैंने आपको कल बता दी थी. आज हम वेरियस एपरेटस की बात करने वाले हैं कि ये लिक्विड लिमिट हम कैसे निकालते हैं. ठीक है, आज ये बात करने वाले कि इसको लिक्विड लिमिट को आप कैसे निकालते हैं. तो सबसे पहला तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ, इट इज योर कैसेग्रैंडे टूल जिसको हम बोलते हैं, इट इज योर कैसेग्रैंडे टूल जिसको हम लोग बोलते हैं, इसकी हेल्प से आप लिक्विड लिमिट में निकालते हो. ठीक है, सबसे पहला इस कैसेग्रैंडे टूल जिसकी हेल्प से आप क्या निकालते हो, जिसकी हेल्प से आप क्या निकालते हो, कैसेग्रैंडे लिक्विड लिमिट मेथड जिसकी हेल्प से आप क्या निकालते हो, लिक्विड लिमिट निकालते हो. सर कैसे निकाली जाती है ये बताइए. तो मैंने बोला आपको ये बात पता है, हम लोग क्या करेंगे इस कैसेग्रैंडे मेथड से एक एक एक, एक ग्राफ बनाएंगे. उस ग्राफ में हम लोग बात करेंगे, एक वाई एक्सिस पे हम लोग बात करेंगे वाटर कंटेंट के बारे में और एक्स एक्सिस पे हम लोग बात करेंगे कि नंबर ऑफ ब्लोज कितने दे रहे हैं. अब आपको ये तो अभी समझ में नहीं आएगा व्हाट इज दिस नंबर ऑफ ब्लोज, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे हम लोग इस बात को बताने वाले हैं. ठीक है, तो मैंने बोला ध्यान से सुनो. अब आप क्या करोगे इस कैसेग्रैंडे मेथड में, आप क्या करते हो कि मैंने बोला ध्यान से देखना आप क्या कर रहे हो.
तो मैंने बोला ये देखिए, ये जो रहता है ये आपका एक कप रहता है, इस कैश ग्राइंडर टूल में ये आपका एक कप रहता है, इस कप में आप क्या करते होते हो, इस कप में आप अपना सॉइल का सैंपल ले लेते हो, ठीक है सर। मैंने एक सॉइल का सैंपल ले लिया, हमने एक सॉइल का सैंपल ले लिया, ये रहा आपका वो सॉइल का सैंपल। मैंने ये क्या है, यह है आपका सॉइल सैंपल, ठीक है सर, ये बात तो हमारे समझ में आई। मैंने अब आप क्या करते थे, इस सॉइल सैंपल को ले लिया आपने, फिर आप नीचे क्या करते हो, एक रबर पैड लगा देते हो, ये रहा एक रबर पैड, सॉरी मैंने आप नीचे क्या कर देते हो, एक रबर पैड लगा देते हो, ध्यान से सुनते जाना, जनरली पूछा जाता है, ठीक है सर, ठीक है। हाँ हाँ, और भी मेथड्स हैं, हम लोग जनरली यूज्ड मेथड्स देख रहे हैं, जनरली यूज्ड मेथड्स को देख रहे हैं, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, देखो जरा, ये आपका कप था जिसके अंदर आपने सॉइल सैंपल रख दिया, और ये आपका क्या है, ये आपका रबर पैड है जो मैंने बोला, ठीक है, ये आपका रबर पैड है। अब देखना जरा यहाँ पे क्या होगा, जब यहाँ पे देखना जरा क्या होगा, अब हम कैसे निकालना है सर ये बताइए। तो मैंने बोला हम क्या कर देते हैं, इसमें लगा देते हैं एक हैंडल। मैंने बोला हम क्या करेंगे, हम इसमें लगा देंगे एक हैंडल, ये रहा आपका वो हैंडल, आपने इसमें अरेंज कर दिया, इस कप में आपने एक हैंडल अरेंज कर दिया, ठीक है सर। अब मैंने बोला कि देखो जरा यहाँ पे, जैसे ही आप इस हैंडल को घुमाओगे, जैसे ही आप इस हैंडल को पकड़ के ऊपर लाओगे, तो ये आपका जो कप है ये जाके हिट करेगा किसको, इस रबर पैड को हिट करेगा। मैंने इस रबर पैड को हिट करेगा, तो जनरली जो हाइट आप कंसिडर करते हो इस रबर पैड का, यहां से जो जनरली हाइट कंसिडर करते हो, वो कितना हाइट कंसिडर करते हो, मैंने बोला उसको एच ई बोल रहा हूँ, और उसको मैं कितना कंसिडर कर रहा हूँ जल्दी से बताएंगे, उसको मैं कंसिडर करता हूँ 10 mm, ठीक है, उसको मैंने कंसिडर करा 10 mm, ठीक है सर। तो मैंने बोला 10 mm हाइट पे आपने इस कप को रख रखा है, और अब आप क्या करोगे, इस हैंडल से आप इस हैंडल से इसको रोटेट करोगे और फ्री फॉल करा दोगे, ऊपर ले गए फ्री फॉल कराया, नीचे आके हिट करा, फिर ऊपर ले गए हिट करा। तो नंबर ऑफ ब्लोज को जो पहले आप देखते थे कि कैसे आप जब भी कोई भी आपने टेस्ट परफॉर्म किया होगा, तो उसमें आप नंबर ऑफ ब्लोज वो टैंपिंग रॉड से देते थे या हैमर से देते थे। यहां पे आप क्या करोगे, बार बार उठा के कप को ऊपर ले जाओगे और वहां से फ्री फॉल करा दोगे तो नीचे आके हिट करेगा, ठीक है, ये बात तो हमारे समझ में आई। मैंने अब एक और बात को समझने की कोशिश करना, जितने भी लोग इस बात को समझ पा रहे हैं कि आप यहां से जैसे ही इसको ऊपर ले गए और आपने हिट कराया, तो मैंने बोला अब इस रबर पैड की क्वालिटी पे भी डिपेंड करेगा कि आपको ये नंबर ऑफ ब्लोज ज्यादा देखने को मिलेंगे या कम देखने को मिलेंगे। लेकिन सर इससे वाटर कंटेंट कैसे पता चलेगा, मैंने बोला बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो अब वाटर कंटेंट अगर आपको पता करना है कि वाटर कंटेंट कैसे पता चलेगा, तो हमने क्या बोला, ये कौन है, बोला सॉइल सैंपल है, तो इसको सॉइल सैंपल बना देते हैं असलियत में। ये रहा आपका सॉइल सैंपल, ठीक है सर, ये रहा आपका सॉइल सैंपल, बहुत बढ़िया, ये कौन है, ये है आपका सॉइल सैंपल, ये रहा आपका सॉइल सैंपल, ठीक है सर। अब मैंने क्या किया है, जब आपका ये सॉइल सैंपल लिया मैंने यहां पे, जब मैंने आपका, सर एक रिक्वेस्ट है, प्लीज न्यूमेरिकल ज्यादा से ज्यादा करा दीजिएगा, सॉइल का न्यूमेरिकल बहुत वीक है सर हम लोग का, बिल्कुल बेटा। आपने अगर मेरे साथ कभी भी प्रैक्टिस किया है तो यू वुड कम टू नो कि अगर मैं इतना ज्यादा डीप में जाके थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, उसका मोटिव ही यही है कि जब मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा तो गजब गजब के न्यूमेरिकल आपसे बनना चाहिए, ठीक है, गजब गजब के न्यूमेरिकल आपसे बनना चाहिए। और कल ही हम न्यूमेरिकल सेशन रखने वाले हैं एक जियोटेक का स्पेशल क्लास पे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि न्यूमेरिकल का क्या वैल्यू है करके, ठीक है, ठीक। मैंने बोला अभी तक एक बार कराया था न्यूमेरिकल, सब लोगों को एकदम से वो आ गया था, ठीक है, सब लोगों को एकदम से टेंशन हो गया था, ठीक है, तो ठीक है ना, ठीक। हाँ, ये जो बोल रहे हैं सैचुरेटेड सॉइल सैंपल लेते हैं, बिल्कुल सैचुरेटेड सॉइल सैंपल कंसिडर किया जाता है, ठीक है, बिल्कुल सैचुरेटेड सॉइल सैंपल कंसिडर किया जाता है, क्योंकि आप लिक्विड लिमिट निकालना चाह रहे हो, तो आप लिक्विड लिमिट निकालना चाह रहे हो तो ऑब्वियसली सैचुरेटेड सैंपल ही रहेगा, ठीक है। ये कुछ बेसिक बातें जो आपको खुद ही समझ में आ जाएगी, जैसे जैसे आपका कंसेप्ट स्ट्रांग होते जाएगा आपको खुद समझ में आते जाएगी कि ऑब्वियसली इट इज अ सैचुरेटेड सैंपल लेना पड़ेगा अगर आप लिक्विड लिमिट की बात कर रहे हो, क्योंकि लिक्विड लिमिट तक जाते जाते आपका ऑब्वियसली आपका सैंपल क्या हो चुका होगा, सैचुरेटेड स्टेट में आ चुका होगा, ठीक है, ऑब्वियसली आपका जो लिक्विड लिमिट है वो सैचुरेटेड स्टेट में आ चुका होगा, ठीक है सर, ये बात तो हमारे समझ में है। तो मैंने बोला ये आपने सॉइल सैंपल ले लिया, अब आप क्या करोगे, इसको विद द हेल्प ऑफ अ टूल, और उस टूल का नाम क्या देते हैं हम लोग, उस टूल का नाम देते हैं कैसे ग्राइंडर टूल, मैंने उस टूल का नाम देते हैं कैसे ग्राइंडर टूल, और वो उसके फिक्स्ड डायमेंशन से हम क्या कर देते हैं, सॉइल को डिवाइड कर देते हैं, सॉइल को दो पार्टीशन में कट कर देते हैं एक हम लोग। तो मैंने बोला ध्यान से देखना भैया क्या है, तो मैंने बोला इसके स्टैंडर्ड साइज की बात कर लेता हूं, इस कैसे ग्राइंडर टूल के स्टैंडर्ड साइज की बात करता हूं। तो मैंने बोला इसको बॉटम पे अगर आप देखोगे तो इसका बॉटम का जो साइज होता है वो होता है 2 mm, ठीक है सर,
मैंने इसके हाइट की बात करोगे, सॉरी मैंने बोला इसके टॉप की बात करोगे, तो टॉप पे जो आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा आपका, मैंने टॉप पे जो आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा 10 mm, और मैंने बोला जो इसकी हाइट देखने को मिलती है आपको, जो इसकी हाइट देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है 8 mm। ठीक है सर, तो ये किसके लिए बात करी? मैंने बोला कैसे ग्राइंडर टूल से आपने इसको कट करा, इस सॉइल को कट करा, तो देखते हैं जरा यहाँ पे कैसे ग्राइंडर टूल से आपने कैसे सॉइल को कट करा होगा। तो मैंने बोला ये देखो बॉटम से आपने देखा तो बॉटम पे 2 mm था, और ये टॉप विड्थ इसकी कितनी थी, मैंने बोला टॉप विड्थ कितनी थी आपकी 10 mm, तो आपने इसको ऐसे सॉइल सैंपल को कट कर दिया। ठीक है सर, ये तो हमारे समझ में आया। तो मैंने बोला ये रहा आपका सॉइल सैंपल जिसको आपने यहाँ से कट कर दिया। क्या बीच में कोई सॉइल है? अब कोई भी सॉइल नहीं बची, आपने यहाँ से इतनी सॉइल को हटा दिया। अल्टीमेटली आपने क्या किया है, आपने इतनी सॉइल को यहाँ से हटा दिया है। ठीक है सर, देखो दिख रही है सॉइल को हटा दिया यहाँ से। मैंने बोला आप क्या चाहते हो, मैंने बोला आप इस एक्सपेरिमेंट से क्या चाहते हो, आप लिक्विड लिमिट निकालना चाहते हो, और आपको लिक्विड लिमिट कैसे पता चलेगी? तो मैंने बोला आपको लिक्विड लिमिट पता करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप इस सिस्टम को ऐसा देखना चाहते हो कि कितने नंबर ऑफ ब्लोज के बाद, कितने नंबर ऑफ ब्लोज के बाद ये कप में जो आपने सॉइल सैंपल रखा था, ये सेम कप दिखाया मैंने आपको है ना, तो इसी कप में जो आपने सॉइल सैंपल रखा था वो सॉइल सैंपल आपको ऐसा दिखने को लग जाए। मतलब ये सॉइल यहां पे आ जाए, ये सॉइल यहां पे आ जाए, ठीक है, यहां पे फ्लो कर जाए, और ये सॉइल भी यहां पे फ्लो कर जाए, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाए। ठीक है, दूसरी बात ध्यान से सुनना, जो जो मैं बातें बोल रहा हूं ध्यान से सुनते जाना, जो जो मैं बातें बोल रहा हूं मैं लिखवाता नहीं हूं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैंने बोला, मैंने आपको क्या बोला, एक वर्ड बोला यहां पे कि आपकी सॉइल फ्लो कर जाए और दोनों आपस में मिल जाए, ये बात बोली मैंने आपको। तो ये वर्ड याद रखो कि मैंने आपसे बोला फ्लो, मैंने आपसे बोला फ्लो, फ्लो फ्लो का मतलब क्यों मैंने आपसे फ्लो बोला है, मैंने आपसे स्लाइड क्यों नहीं बोला? मैंने आपसे स्लाइड इसलिए नहीं बोला क्योंकि स्लाइड वो स्टेट है कि जब आपने इसमें सॉइल लिया और आपने एक ब्लो दिया और एक ही ब्लो में आपको क्या दिखने लग गया, आपको एक ही ब्लो में आपकी सॉइल क्या हो गई, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गई, तो इसीलिए हम लोगों ने इसको क्या बोला, फ्लो करे, मतलब धीरे धीरे एक एक ब्लो के बाद आपको सॉइल आगे जाती हुई दिखे। एज हम तो क्या कंसिडर कर लेंगे, हमको लगेगा कि एक ही ब्लो में वही हमारा वाटर कंटेंट को रिप्रेजेंट करने लग जाएगा, तो नहीं, तो वाटर कंटेंट ज्यादा है तभी वो क्या होगा, स्लाइड होगा, एल्स हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग फ्लो करें, हमारी सॉइल फ्लो करे, तो फ्लो इज द वर्ड। ठीक है सर, ये बात तो हमारे समझ में आ गई। ठीक है, ये बात हमारे समझ में आ गई। अब आप इसको कैसे बोलते हो कि ये लिक्विड लिमिट को रिप्रेजेंट करेगा? तो मैंने बोला जिस भी टूल से आपने इसको कट करा था उसका नाम था कैसे ग्राइंडर टूल, उसके हेल्प से आपने इसको कट कर दिया सॉइल को। अब आप नंबर ऑफ ब्लोज देना स्टार्ट करा, छोड़ा फिर ऊपर ले गए, फिर छोड़ा फिर ऊपर ले गए, फिर छोड़ा, तो ऐसे करते करते आपने कितने नंबर ऑफ ब्लोज के बाद ये सॉइल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही है वो आपसे बात हुई। ठीक है, ये दोनों फ्लो के कैसे कंबाइन हो रही वो बात कर रहे हैं। तो हम बोलते हैं फॉर द केस ऑफ लिक्विड लिमिट, फॉर द केस ऑफ लिक्विड लिमिट ये जो नंबर ऑफ ब्लोज होते हैं उसको हम लोगों ने कितना बोला, 25 नंबर ऑफ ब्लोज की बात करी। ठीक है, तो मैंने कितने की बात करी, 25 नंबर ऑफ ब्लोज की बात करी। ठीक है सर, ये बात तो हमारे समझ में आई। तो मैंने कितने नंबर ऑफ ब्लोज की बात करी आपसे, 25 नंबर ऑफ ब्लोज की बात करी। तो आपका 25 नंबर ऑफ ब्लोज देने पे आपने देखा कि आपकी सॉइल क्या हो जाए, एक दूसरे के पास ओवरलैप हो जाए, उस वाटर कंटेंट को आप क्या बोल रहे होगे, उस वाटर कंटेंट को आप लिक्विड लिमिट बोल रहे होगे, उस वाटर कंटेंट को आप क्या बोल रहे होगे, लिक्विड लिमिट बोल रहे होगे। ठीक है, कुछ लोगों के दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा, कुछ लोगों के दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा, सर क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि हम वाटर कंटेंट सॉइल, यहां पे एक सॉइल ली सर, उसका वाटर अमाउंट था कुछ भी एक्स, ये जो सॉइल है इसके अंदर जो वाटर कंटेंट है वो एक्स है। मैंने बोला मान ली बात आपकी। बोला सर मैंने ये ब्लोज दिए, तो सर ये ब्लोज हमने देखे कि ये 60 नंबर ऑफ ब्लोज के बाद ये सॉइल एक दूसरे को ओवरलैप कर गई, 60 नंबर ऑफ सॉइल के बाद, 60 नंबर ऑफ ब्लोज के बाद ये सॉइल यहां पे आई है। मतलब बिल्कुल हो सकता है। तो बोले सर फिर वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? मतलब वो अभी भी आपका लिक्विड लिमिट तक वाटर नहीं पहुंचा है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फिर सर लिक्विड लिमिट तक कैसे पहुंचाएंगे? मतलब इस एक्स में और पानी मिला दो और इसका वाटर कंटेंट कर दो वाई। क्या वाई एक्स से बड़ा है? हाँ सर। मतलब तब तक पानी मिलाते जाओ जब तक 25 नंबर ऑफ ब्लोज में आपकी सॉइल एक दूसरे को ओवरलैप ना कर ले। जैसे ही 25 नंबर ऑफ ब्लोज में एक दूसरे को ओवरलैप कर लेगी, आप समझ जाना कि वही वाटर कंटेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वही वाटर कंटेंट रिप्रेजेंट कर रहा होगा आपके लिक्विड लिमिट को। कितने लोगों को यह बात क्लियर हो गई है, कितने लोगों को यह बात क्लियर हो गई है? कम ऑन गाइस, डू लेट मी नो वंस, कितने लोगों को यह बात क्लियर हो गई है? ठीक, कितने लोगों को ये बात क्लियर हुई है जल्दी बताएंगे, कितने लोगों को ये बात क्लियर हुई है?
अरे 25 पे भी नहीं हुआ तो कैसे नहीं होगा 25 पे, मैं यही बोल रहा हूं आपसे कि ऐसा मान लिया मैंने कि पहले x नंबर ऑफ x अमाउंट ऑफ वाटर था और ये 25 पे नहीं हुआ, 30 पे हुआ, मान लो 50 पे हुआ, 50 ब्लोज के बाद हुआ, तो फिर क्या करना है सर? फिर तो लिक्विड लिमिट नहीं पता कर पाएंगे, मतलब पता कर पाएंगे? ये बता रहा है कि आपके सॉइल सैंपल के अंदर पानी की कमी है। अभी आपके सॉइल के अंदर जो सैंपल, सॉइल सैंपल है उसके अंदर जो पानी मिलाया है वो लिक्विड लिमिट तक अभी नहीं गया है। इसको थ्री फेज डायग्राम से समझो, आओ ऐसा कुछ होगा ही नहीं जो तुम बिना यहां से समझ के जा पाओगे बाहर, ठीक है? एक बार क्लास में एंटर कर लिया मतलब सब कुछ पता होना चाहिए तुमको, एक बार क्लास में एंटर कर लिया मतलब सब कुछ पता होना चाहिए। तो आओ समझते हैं, आओ समझते हैं, ठीक है? जो रह गया उसको समझा देते हैं। तो मैंने बोला देखो जरा यहां पे, देखो जरा यहां पे, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बोला ये सॉलिड को रिप्रेजेंट कर रहा है सर, ये सॉलिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने क्या इसमें कोई भी एयर होगी? बोला नहीं सर, एयर तो नहीं होगी क्योंकि हम ऑलरेडी सैचुरेटेड सैंपल की बात कर रहे हैं, ऑलरेडी सैचुरेटेड सैंपल की बात कर रहे हैं, ठीक है? मैंने बोला ये वो स्टेट है जब आपकी सॉइल किस पे, श्रिंकेज लिमिट पे थी। ये आपकी वो सॉइल है जब आपकी सॉइल किस पे थी, ये वो स्टेट है जब आपकी सॉइल किस पे थी, श्रिंकेज लिमिट पे थी, ठीक है सर? मैंने बोला ये वो स्टेट है जिस पे आपकी सॉइल श्रिंकेज लिमिट पे है। मैंने बोला लिक्विड लिमिट कब आती? श्रिंकेज लिमिट के बाद आती। यस सर, श्रिंकेज के बाद प्लास्टिक आएगी, प्लास्टिक के बाद लिक्विड स्टेट आएगी। यस सर। मैंने बोला तो इस पे पानी मिलाओ, तो तुमने ये हरे कलर का गंदा पानी था तुम्हारे पास, तुमने सॉइल में मिला दिया। तुमने जब इसमें पानी मिलाया उसके बाद तुमने इसको टेस्ट किया, इस सॉइल सैंपल को टेस्ट किया, ये सैंपल लाए हो आप, ये सैंपल को उठा के लाए, इसमें डाला, कैसेग्राइंड टूल से खाली किया और उसके बाद आपने सॉइल सैंपल में टेस्ट करना स्टार्ट किया। मान लेते हैं आपके जो नंबर ऑफ टेस्ट आए, मान लेते हैं जो नंबर ऑफ ब्लोज आए वो 60 के बराबर आए, मान लेते हैं नंबर ऑफ ब्लोज आपके 60 के बराबर आए। इससे आपको क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि जब सर जो पानी मिलाया है हमने हमारे सॉइल सैंपल में, वो अभी तक इसको लिक्विड लिमिट तक लेके नहीं गया है। क्या करोगे? मैंने बोला अगर मैं इसमें वाटर कंटेंट और बढ़ा देता हूं, जो बढ़ा देते हैं, चलो मैंने अगर मैं इसमें वाटर कंटेंट और बढ़ा देता हूं और इसको लेके जाता हूं लिक्विड लिमिट तक, मैंने बोला अभी नहीं पता है, अभी नहीं पता है लिक्विड लिमिट कहां है। मैंने इसमें वाटर कंटेंट और बढ़ाया तो मेरे को समझ में आया, अब जब मैंने यहां पे नंबर ऑफ ब्लोज देना स्टार्ट किए तो ये धीरे धीरे 60 की जगह, जैसे आप वाटर कंटेंट बढ़ाओगे ये 60 से कम होते जाएगा, बोलो हाँ। तो जैसे जैसे आप वाटर कंटेंट बढ़ाते जाओगे वाटर के फ्लो होने की, सॉइल सैंपल के फ्लो होने की कैपेसिटी बढ़ते जाएगी। तो जैसे ही सॉइल सैंपल के फ्लो होने की कैपेसिटी बढ़ते गई नंबर ऑफ ब्लोज कम होते जाएंगे, और नंबर ऑफ ब्लोज कम होते जाएंगे इसका मतलब है आपको यह समझ में आ रहा है कि शियर स्ट्रेंथ कम होते जाएगी, शेयर स्ट्रेंथ सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ कम होते जाएगी, क्योंकि आपने देखा है कि जैसे जैसे आप वाटर कंटेंट बढ़ाते जा रहे थे एट द केस ऑफ लिक्विड लिमिट योर शेयर स्ट्रेंथ इज अप्रोक्सीमेटली 2.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब एंड दैट इज नेग्लिजिबल। बोलो हाँ, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बोलो हाँ या ना, क्या ये बात समझ में आई सब लोगों को? तो हमने यही किया है, अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कैसे ग्राइंडर टूल के बारे में हमने क्या बात करी। बोलिए हाँ या ना, ठीक है सर। ये बात तो सर हमारे समझ में आ गई, मतलब अगर आपको ये बात समझ में आती है, क्या बोल रहे हो सर? आरसीसी से पहले कौन सा सब्जेक्ट कंप्लीट करूँ? आरसीसी सब्जेक्ट पे डिपेंडेंट है, आरसीसी आपसे पढ़ना है। आरसीसी के पहले सोम कर लो, आरसीसी से पहले सोम कर लो, ठीक है? आरसीसी से पहले सोम कर लो, तो सोम कर लोगे तो मेरे को समझाने में आसानी रहेगी आरसीसी, ठीक है? ठीक, आरसीसी पढ़ेंगे, बस इसके बाद आरसीसी पढ़ेंगे, ये जैसे ही कंप्लीट करेंगे इसके बाद आरसीसी पढ़ेंगे। अभी तक मैंने तुमको स्ट्रक्चर का एक भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया ना, तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज रहेगा आरसीसी जब भी होगा कि मैं स्ट्रक्चर कैसा पढ़ाता हूँ। भाई मैं ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा रहा हूँ, मैं एनवायरमेंट पढ़ा रहा हूँ, मैं हाइड्रोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, मैं इरीगेशन पढ़ा चुका हूँ मैं, ठीक है? तो और यहाँ पे जियोटेक पढ़ा रहा हूँ, ये सब पेपर टू, ईएससी पेपर टू है, ठीक है? ईएससी के पेपर टू हैं सारे, पेपर वन का अभी तक मैंने आपको एक भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया, तो मैं देखना चाहता हूँ। सर्विंग भी पेपर टू में ही आता है, तो मैं आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज रहेगा कि जब हम आरसीसी पढ़ेंगे तो कैसा होने वाला है, ठीक है? ठीक सर, आप रोटो, मैंने अभी डिप्लोमा कर रहा हूँ सिविल इंजीनियरिंग का, लेकिन आपकी क्लास से बहुत कुछ सीखता हूँ। थैंक यू ब्रो, थैंक यू। सोम भी आप करवा दो, सोम समय की कमी है, बस सब कुछ करवा सकते हैं, बस समय की कमी है। बाकी लोग भी तो ठीक है, बाकी लोग को भी तो पढ़ाने दो कुछ, ठीक है? तो मैंने बोला ये बात करी, ठीक है? मैंने ये बात करी, ठीक है? तो ये हुई बात। तो मैंने बोला देखो जरा यहाँ पे, ये बात तो हमारे समझ में आ गई।
सर इससे फायदा क्या हो रहा है ये बताइए। मैंने बोला लिक्विड लिमिट पता चल रही है। सर और क्या फायदा है? मैंने बोला जानना चाहते हो? तो मैंने बोला इससे निकालते हैं फ्लो इंडेक्स वैल्यू। फ्लो इंडेक्स वैल्यू निकालते हैं कि आपका एक सॉइल की फ्लो होने की कैपेसिटी कैसे आपको पता चल रही है, कि कितनी सॉइल की फ्लो होने की कैपेसिटी है वो पता करते हैं। तो कैसे निकालते होंगे फ्लो इंडेक्स? मैंने बोला ध्यान से सुनो, ठीक है, मैंने बोला ध्यान से सुनो, मैंने ध्यान से सुनते जाओ, अबे कुछ कुछ भी बस कुछ भी लिखे जा रहे हो करके। जैम ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, कैसे जैम ऑफ सिविल इंजीनियरिंग? 50 लोग देख रहे हो तुम लोग, काय का जैम ऑफ सिविल इंजीनियरिंग? जैम ऑफ सिविल इंजीनियरिंग होता तो 500 लोग देख रहे होते शायद, या 1000 लोग देख रहे होते, और ये नंबर मैंने देखा है इसलिए मेरे को पता है। तो अगर 500 से 50 पे आया हूँ मैं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने कुछ बड़ा काम नहीं किया है करके, ठीक है। तो ठीक है, मतलब यही बस, ठीक है, आई एम जस्ट ट्राइंग कि समझ में आ जाए, अभी थोड़े दिन में आ जाए, जल्दी आ जाए करके, वो समय वापस से आ जाए करके, ठीक है ठीक है। मेरे लिए तो नहीं था, मतलब मैंने तो देखा है नंबर, तो मेरे को आइडिया है करके कि कैसे आता है। 1.9 के तक देखा है मैंने तो नंबर, ठीक है। तो 1.9 के इज अ बिग नंबर। ठीक है ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं, चलिए ये बात करते हैं। तो मैं आपसे क्या बात कर रहा था, ध्यान से सुनना। मैं आपसे बात कर रहा था फ्लो इंडेक्स के बारे में बात कर रहा था। इस फ्लो इंडेक्स को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो IF से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैंने इस फ्लो इंडेक्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? मैंने इस फ्लो इंडेक्स को IF से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है सर। फ्लो इंडेक्स को सर कैसे दिखा रहे होंगे ये बता सकते हो? मैंने बोला बिल्कुल बता सकते हैं। एक ग्राफ को देखना और समझने की कोशिश करना कि मैं फ्लो इंडेक्स को कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ। फ्लो इंडेक्स को उधर पहुंचाते हैं, यहाँ पे बात करना स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला देखो जरा, यहाँ पे बात करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैंने बोला ये देखिए, ये है आपकी वाई एक्सिस, और मैंने बोला ये है देखिए आपकी एक्स एक्सिस। जो भी मैंने आपसे बात करी है वहां पे, जो भी मैंने आपके साथ सॉइल सैंपल में बात करी थी, वो सारी चीजों को अब हम ग्राफ पे बात करेंगे, ठीक है। तो उन सारी चीजों को अब हम कहाँ पे बात करने वाले हैं? ग्राफ पे बात करने वाले हैं। बहुत जल्दी आ गए बेटा, क्या बात है, गुड इवनिंग। तो मैंने बोला देखो जरा, अब हम जो बात करने वाले हैं वो किस पे बात करने वाले हैं? मैंने ग्राफ पे बात करने वाले हैं, और देखते हैं ग्राफ पे क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। मैंने वाटर कंटेंट बढ़ाने के साथ, मैंने बोला इस पे दो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कौन कौन दिख रहा होगा? तो मैंने एक्स एक्सिस पे अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो एक्स एक्सिस पे मेरे को वाटर कंटेंट दिख रहा होगा। मैंने एक्स एक्सिस पे मेरे को वाटर कंटेंट दिख रहा होगा, और वाई एक्सिस पे मेरे को नंबर ऑफ ब्लोज दिख रहे होंगे। वाई एक्सिस पे मेरे को नंबर ऑफ ब्लोज दिख रहे होंगे। सर क्या हम नंबर ऑफ ब्लोज के रेस्पेक्ट में वाटर कंटेंट को एक्सप्रेस कर सकते हैं? मतलब बिल्कुल कर सकते थे। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। क्या सर मैं इसको वाटर कंटेंट और नंबर ऑफ ब्लोज को डिफाइन कर सकता हूं दोनों को एक ही ग्राफ में? मतलब बिल्कुल कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम यह है कि फिर आपको एक बहुत बड़ा ग्राफ पेपर चाहिए रहेगा। क्यों? क्योंकि वाटर कंटेंट के नॉर्मल वाटर चेंज करने के साथ नंबर ऑफ ब्लोज के कारण कुछ ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो बहुत छोटी छोटी रेंज में आपको अगर वैल्यूज को चेंज होते हुए देखना है, तो आपको इस ग्राफ को चेंज करना पड़ेगा। किसमें चेंज करना पड़ेगा? सेमी लॉगरिथमिक कर्व में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने इसको चेंज कर दिया, सेमी लॉगरिथमिक कर्व में चेंज कर दिया। समझ में आया ये बात, क्यों इसको सेमी लॉगरिथमिक कर्व में चेंज किया? बोलो यस और नो, ठीक है। तो हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? मैंने बोला हमने इसको सेमी लॉगरिथमिक कर्व में चेंज कर दिया, ठीक सर। ये बात तो हमारे समझ में आ गई। तो जब मैंने इसको सेमी लॉगरिथमिक कर्व में चेंज किया, आपके लिए, तो अब मैंने बोला यहां पे तो वाटर कंटेंट है, यहां पे नंबर ऑफ ब्लोज जो है वो आपको लॉग टेबल पे देखने को मिलेंगे। वो आपको कहां देखने को मिलेंगे? लॉग टेबल पे देखने को मिलेंगे। मैंने देखो, अब मैं यहां पे बताता हूं, मेरे को एक चीज बताते जाना, ये तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, पूरे ग्राफ का एनालिसिस बहुत अच्छे से जानते हो। मैंने मान लेते हैं यहाँ पे वाटर कंटेंट W1 है, यहाँ पे वाटर कंटेंट W2 है, यहाँ पे वाटर कंटेंट W3 है, यहाँ पे वाटर कंटेंट W4 है। मैंने ला जैसे जैसे, ध्यान से सुनना, मैंने जैसे जैसे वाटर कंटेंट बढ़ाते जाओगे, नंबर ऑफ ब्लोज बढ़ते जाएंगे या कम होते जाएंगे आपके लिए? मैंने जैसे जैसे आप उन दोनों सॉइल के सैंपल को मिलाने के लिए, ये रहा आपका सॉइल सैंपल, मतलब जैसे जैसे वाटर कंटेंट बढ़ाते जा रहे हो, इन दोनों को मिलने के लिए नंबर ऑफ ब्लोज बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए? बोलिए यस और नो। बोलिए बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए, क्या बोलते हो आप? नंबर ऑफ ब्लोज इन दोनों के मिलने के लिए नंबर ऑफ ब्लोज बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए? कम होना चाहिए, बहुत बढ़िया। तो अगर कम होना चाहिए, तो मैंने बोला ध्यान से देखो, तो आपको जो यहां पर नंबर ऑफ ब्लोज दिखने को मिल रहे होंगे, मैंने बोला यहां पर देखो, मैंने बोला लॉग ऑफ N1 नंबर ऑफ ब्लोज N1, मैंने यहां पे बोला log N2, मैंने यहां पे बोला log N3, ठीक है, मैंने बोला यहां पे बोला log N4, तो ऐसे दिखा रहा हूं आपको।
और मैंने ये जो टेबल आपको दिख रही होगी वो टेबल ऐसी कुछ आपको देखने को मिलेगी। मैंने ये देखो, ये रहा आपका वाटर कंटेंट और नंबर ऑफ ब्लोज के टर्म्स में बात करी मैंने ये टेबल कैसे दिखेगी, ऐसे दिखेगी। तो सर वाटर कंटेंट अगर ज्यादा है, ध्यान से सुनते जाना मैं जो बात बोलने वाला हूँ, ध्यान से सुनते जाना। इसका मतलब सर अगर वाटर कंटेंट ज्यादा है तो नंबर ऑफ ब्लोज कम होंगे, बोला हाँ। तो देखो अगर वाटर कंटेंट कम है तो नंबर ऑफ ब्लोज ज्यादा रिक्वायर्ड होंगे क्या, बोला हाँ। समझ में आई ये बात? तो मैंने बोला अगर वाटर कंटेंट कम है तो नंबर ऑफ ब्लोज आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, और अगर वाटर कंटेंट ज्यादा है तो नंबर ऑफ ब्लोज जो देखने को मिलेंगे वो कम देखने को मिलेंगे। और ये इस ग्राफ से आपको समझ में आती है बात, ठीक है? ये इस ग्राफ से आपको पूरी बात समझ में आती है, ठीक है सर? ये बात तो हम समझ गए। मैंने अगर आप ये बात समझ गए हो तो मैं चाहता हूं कि देखो अब आपको ये बात समझ में आ जाएगी। मैंने बोला अब आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है, हम लोगों ने बोला ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपने बोला सर ये फ्लो इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्लो इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने ये ग्राफ फ्लो इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब क्या है? तो मैंने बोला ये किसी भी एक रैंडम सॉइल के लिए आपने बात करी, मैंने बोला सॉइल ए के लिए बात करी अगर मैंने, तो ये सॉइल ए के वॉटर के कंटेंट के बढ़ने के साथ नंबर ऑफ ब्लोज के रिलेशन को बता रहा है। इसका मतलब सर इस सॉइल का स्लोप ही सारी बात कर रहा होगा, मतलब इसका मतलब इस सॉइल का स्लोप ही तो सारी बात कर रहा होगा। और एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना हमारे लिए सबसे आसान तरीका है, क्योंकि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 11th से पढ़ते हुए आ रहे हैं। मतलब मैं तो पढ़ा था तो 11th में पढ़ा था, तो मेरे को ये बात समझ में आती है कि फ्लो इंडेक्स की बात चल रही है अगर, और मेरे को एक स्ट्रेट लाइन के बारे में बात करनी है, तो मैंने बोला देखो जरा यहाँ पे मैं किसी भी दो पॉइंट के बीच की बात कर लूंगा। जैसे मैं अभी यहाँ पे रेंडमली W1 और W2 की बात कर लेता हूँ, तो W1 के लिए मैं मान लेता हूं कि जो आपका वैल्यू दी है, W1 के लिए जो मैं मान लेता हूं आपके लिए जो वैल्यू दी है, ठीक है, मैंने ऊपर से वाटर कंटेंट की वैल्यू ऊपर नीचे कर दी मैंने, कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैंने इधर मैं चेंज कर देता हूं जो मेरे नोट्स के हिसाब से उसको कन्वर्ट कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मैंने बोला W1 वाटर कंटेंट क्या है, धीरे धीरे ये रहा आपका वाटर कंटेंट, ये आपका W1 वाटर कंटेंट, सॉरी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो मैं उसमें ही बता देता बट फिर वो आपको ऐसा लगता कि सर एकदम से W4 पे कैसे आ गए। ये लो W1, ठीक है, ये है W1, ये है W2, ये है W3, ये है W4 और ये है W5, कुछ भी रैंडम वैल्यू बोली है मैंने आपके लिए। तो मैंने बोला देखो जरा यहाँ पे अगर आप इन दो स्लोप्स की बात करते हैं, इन दो पॉइंट के बीच की बात करते हैं, ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी, तो अगर आप इसका स्लोप की बात करते हैं तो हम लोग क्या बात करते हैं, वाई, जब भी स्लोप की बात करते हैं दो पॉइंट के बीच में तो हम ऐसे लिखते हैं क्या, y2 - y1 / x2 - x1 के बराबर। तो y2 - y1 / x2 - x1 कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, और y2 - y1 / x2 - x1 किसके बराबर हो जाएगा, तो मैंने ला इन दो पॉइंट की बात करें, इन दो पॉइंट का y2 कितना है, बोला y2 इज w1, तो मैंने बोला इट इज w1, इसका y1 कितना है, बोला w2, तो w1 - w2 डिवाइडेड बाय देखो यहां पे भी बात करी हम लोगों ने, तो मतलब अगर यहां पर भी बात करोगे तो आप क्या देखने को मिलेगा, आपको log n1 और log n2 देखने को मिलेगा, तो आप इसको बोल दोगे log n2 - log n1 के बराबर, तो log n2 - log n1 के बराबर, ठीक है सर। तो क्या सर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, w1 - w2 डिवाइडेड बाय log n2 / n1 के बराबर, मतलब बिल्कुल लिख सकते हो, मतलब क्या लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो इसको, तो log n2 - log n1 को w1 - w2 / log n2 / n1 लिख सकते हो, ठीक है, ठीक, y2 - y1 / x2 - x1 की वैल्यू लिखी है, ठीक है सर। ये बात तो हमारे समझ में आ गई, मतलब अगर ये बात समझ में आ गई तो क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि जितना ज्यादा फ्लो इंडेक्स होगा, ध्यान से सुनना, मतलब जितना ज्यादा फ्लो इंडेक्स वैल्यू होगी आपकी उतनी ही कम आपकी शेयर स्ट्रेंथ होगी। इस ग्राफ को देख के आप ये बात समझ गए हो कि मैंने बोला जितना ज्यादा आपका फ्लो इंडेक्स आपको देखने को मिलेगा, तो फ्लो इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल के बराबर, ठीक है, फ्लो इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, फ्लो इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल के बराबर। ये देखो जरा ये बात कितने लोगों को समझ में आ रही है, कि फ्लो इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल के बराबर, कितने लोगों को ये बात समझ में आई है,
लॉग में क्यों ले रहे हैं नंबर ऑफ ब्लोज? ठीक है, बहुत बढ़िया। मैंने लॉग में इसलिए ले रहे हैं, चंगू वंगू वैसे तो मैं ये बात बता चुका था, बट तुम लेट आए हो, फिर भी चलो मैं बता देता हूं तुमको एक बार कि लॉग में इसलिए ले रहे हैं हम लोग ये वैल्यू, लॉग में इसलिए ली जा रही है ये वैल्यू, ध्यान से सुनना। मैंने बोला आपने एक सॉइल सैंपल लिया, मान लेते हैं इसमें जो सॉइल सैंपल लेते हैं जनरली 250 ग्राम सॉइल लेते हैं हम लोग, 250 ग्राम सॉइल लिया आपने। अब इस 250 ग्राम सॉइल में जो आपने वाटर कंटेंट लिया है, मैंने आपने 1 ml वाटर बढ़ाया, मैंने जब आपने 1 ml वाटर बढ़ाया तो नंबर ऑफ ब्लो दिया। क्या 1 ml वाटर कंटेंट बढ़ाने से आपकी सॉइल की फ्लो इंडेक्स में कोई बहुत बड़ा चेंज आएगा? बोलो यस और नो, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताना है आपको। क्या सॉइल की स्टेबिलिटी, क्या सॉइल की फ्लो वैल्यू में कुछ बहुत बड़ा चेंज आएगा जब आपने 1 ml वाटर मिलाया? नहीं आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। मैंने बोला फिर 1 ml मिलाओ, क्या चेंज आया? नहीं आया। मैंने बोला क्या आप उस 1 ml को बार बार इस ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर पाओगे? तो हाँ कर पाएंगे सर, लेकिन उसके लिए नंबर ऑफ ब्लोज की जो वैल्यू है वो तो बहुत बड़ी 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 दिखते जाएगी। तो हर बार आप 1 ml वाटर मिलाते जाओगे तो ये टेबल आपको नहीं लगता है कि बहुत बड़ी टेबल हो जाएगी? बोलो हाँ या ना, बहुत बड़ी टेबल हो जाएगी आपके सामने, ठीक है। तो जब ये टेबल बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी तो हमने बोला कि हम क्या कर देते हैं, इसको लॉग एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो बहुत बड़ी वैल्यू को बहुत छोटे टर्म्स में रिप्रेजेंट करने के लिए हमने उसको लॉग एक्सिस में कन्वर्ट कर दिया। तो अब हम सेमी लॉगरिथमिक कर्व की बात कर रहे हैं यहां पे। इज दिस क्लियर? बोलो हाँ ये बात समझ में आई है, बोलो जल्दी से, बोलो हाँ ये बात समझ में आई है सब लोगों को। अब आ गया समझ में क्या किया है, अब आ गया समझ में क्या किया है हम लोगों ने, ठीक है। अभी आगे समझ में सब लोगों को हमने क्या किया, ठीक है। अगर ये बात समझ में आ गई है, तो मैंने एक और बात को समझने की कोशिश करना, अब मेरी दूसरी बात क्या होने वाली है, आप लोगों के सामने, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। पीडीएफ मिलेगा क्या? पीडीएफ नहीं मिलता बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे थे, ध्यान से सुनते जाना अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो। मैंने बोला मेरी बात को ध्यान से सुनते जाओ और बोलो कि आप तो ये जान गए कि फ्लो इंडेक्स की वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेंथ। इसका मतलब मेरे को ये समझ में आ गया कि जैसे जैसे मैं वाटर कंटेंट बढ़ाते जाऊंगा मेरी सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ लूज होते जाएगी, कम होते जाएगी। और यही बात तो हमने कल करी थी जब कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल की बात कर रहे थे कि जैसे जैसे आप वाटर कंटेंट बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपकी सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ की वैल्यू कम होती जाएगी और एक पॉइंट ऐसा आएगा लिक्विड लिमिट के टाइम पे जब आप और पानी मिलाओगे तो आपका वाटर किसकी तरह बिहेव करने लग जाएगा, आपकी सॉइल वाटर की तरह बिहेव करने लग जाएगी। इज दिस क्लियर? ठीक है सर, ये बात तो हमारे समझ में आ गई। मैंने अगर ये बात आपके समझ में आ गई है, तो मैंने बोला देखो जनरली हम लोग क्या करते हैं, जनरली हम लोग ना वाटर कंटेंट W10 और W100 की बात कर लेते हैं, ठीक है। जनरली हम लोग जो बात करते हैं वो W1 और W2 की बात करते हैं। तो देखो जरा यहाँ पे W1 में हम लोग बोल देते हैं, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे 10 की बात कर लेते हैं, नंबर ऑफ ब्लोज 10 की बात कर लेते हैं, और W2 के लिए हम लोग यहाँ पे 100 की बात कर लेते हैं। और तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे आप लोगों ने निकाल लिया तो लॉग 100 की बात कर ली, देखो यहाँ पे, तो मैंने बोला यहाँ पे 100 नंबर ऑफ ब्लोज की बात कर ली, लॉग ऑफ 100 की बात कर ली, और मैंने बोला यहाँ पे जनरली जो वैल्यू निकाल लेते हो आप 10 के लिए निकाल लेते हो, तो लॉग यहाँ पे N1 की जगह लॉग 10 कर दिया आपने। अब आप क्या कर देते हो, जनरल वैल्यूज आप इसकी निकाल लेते हो। इसका मतलब आपने क्या किया है, ध्यान से देखो, आपने W1 इज इक्वल टू W10 कर दिया और N1 इज इक्वल टू कितना कर दिया, N10 कर दिया, ठीक है, 10 नंबर ऑफ ब्लोज की बात कर दी, N1 इज इक्वल टू कितना कर दिया, 10 नंबर ऑफ ब्लोज। सिमिलरली W2 इज इक्वल टू कितना कर दिया, W100 कर दिया है, और मैंने ला N2 की वैल्यू कितनी कर दिया आपने, मैंने ला N2 की वैल्यू 100 कर दी है। तो मैंने बोला जब आप इस ग्राफ पे बात करते हो, फ्लो इंडेक्स निकालने की बात करते हो, तो फ्लो इंडेक्स में आप क्या कर देते हो, फ्लो इंडेक्स में ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे इट इज इक्वल टू N2, ठीक है, आप बोलते हैं इट इज W2, मैंने बोला W100 माइनस W10 डिवाइडेड बाय
डिवाइडेड बाय लॉग 100 बाय 10 की बात कर लेते हो आप डायरेक्ट, ठीक है। और यहां से आप जो भी फ्लो इंडेक्स का वैल्यू है वो स्लोप निकाल के रख लेते हो और फिर धीरे धीरे आप किसी भी रैंडम वैल्यू की बात कर सकते हो, ठीक है। ठीक है ये लिंक में क्या है, ठीक है, अगस्त तक, जुलाई है ना, अभी तो जुलाई चलेगा ना, जुलाई में ऑलमोस्ट कंप्लीट कर देंगे, बोला जुलाई एंड तक या अगस्त स्टार्टिंग में फिनिश कर देंगे, अगस्त मिड मैक्सिमम, ठीक है। अभी तो बीच में एक महीना है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, बोलो हाँ या ना, क्या सब लोगों को ये बात समझ में आ गई है? ये जो वीडियो आपको लिंक दिख रहा है, ये वीडियो जस्ट इस क्लास के बाद हम लोग 11 बजे से स्टार्ट करेंगे। आई वॉन्ट कि जितने लोग मेरे को फॉलो करते हैं वो उन लोगों को ये बात जरूर सुननी है। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है कि एक स्टूडेंट के दिमाग में क्या क्या चल रहा होगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक स्टूडेंट के दिमाग में क्या चल रहा होगा, वो सारी बात मैं आपसे करने वाला हूँ। मतलब आज मैं क्लास ले रहा था हाइड्रोलॉजी की, एंड आई एम वेरी डिप्रेस्ड कि यार एक स्टूडेंट बोल रहा है कि सर आई एम फ्रॉम अ वीकर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, सर मैं पुअर हूँ। अभी क्या होता है पुअर, अभी तक ना बात यही हो रही थी। तो ये सारी बात मैं आपसे टेक्निकल टाइम में कभी भी बात नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मेरे पास टेक्निकल कंटेंट इतना सारा है बोलने के लिए कि मैं आपको कहानी नहीं सुना सकता हूँ। लेकिन मैं वहां पे जरूर बात कर सकता हूँ, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो एक घंटा मैं अलग से आपके साथ डिस्कस करने के लिए रेडी हूँ कि हम क्या बात करेंगे करके, ठीक है। तो एक घंटा वो बस मेरे को दीजिएगा अपनी लाइफ का, एक घंटा भी नहीं लूंगा, मैक्सिमम 20-30 मिनट्स का सेशन रखेंगे। आई डोंट वॉन्ट कि एक घंटे तक मैं आपको चिल्ला के समझाते रहूं कि पढ़ाई करो। आप यार बहुत ग्रोन अप किड हो, आप मतलब बड़े हो चुके हो करके आपको ये सब बात करने की जरूरत ही नहीं। आपको जो बेसिक जरूरत है वो इतनी सी है कि सर मैं एक लाइन से बस थोड़ा सा जा रहा था, मेरे को लात मार के थोड़ा सा इधर कर दो ना सर, कर देंगे उत्तर, ठीक है। ठीक है, इसमें कल बता रहे क्या बात कर रहे हो, ऐसा कैसे? Give me a second. 25 hours. ठीक है, देख लेंगे एक बार, अगर कल बता रहा है तो मैं अभी मैसेज ड्रॉप कर दिया है, उन लोग अभी मेरे को अपडेट कर देंगे करके, ठीक है। मैंने टीम को मैसेज ड्रॉप कर दिया, दे विल अपडेट मी, ठीक है सर। ये बात तो हमारे समझ में आ गई, इरिगेशन कंप्लीट हो चुका है? नहीं, इरिगेशन का कल सुबह 10 बजे एक और क्लास है आपका, तो इरिगेशन देखेंगे कल सुबह 10 बजे, ठीक है। कैनाल रेगुलेटरी वर्क्स देखेंगे, तो अगर आपको लगता है कि आपको पढ़ना चाहिए कैनाल रेगुलेटरी वर्क्स तो ऑब्वियसली आपको पढ़ सकते हो आप, ठीक है, ऑब्वियसली आप मेरे साथ पढ़ सकते हो, ठीक है सर। ये बात सब लोगों को समझ में आ गई, जो भी हम लोगों ने बात करी है वाटर कंटेंट के बारे में, फ्लो इंडेक्स के बारे में, इज दिस क्लियर? तो मतलब अब हम मेथड नंबर 2 देखने वाले हैं कि मेथड नंबर 2 कैसे देख रहे होंगे हम लोग। तो मतलब नेक्स्ट बात कर रहे हैं, मेथड नंबर 2 की बात कर रहे हैं, तो देखो जरा यहाँ पे मेथड नंबर 2 नेक्स्ट जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये मेथड नंबर 2 की बात कर रहे हैं। तो ये मेथड नंबर 2 में हम लोग पेनिट्रेशन टेस्ट काइंड ऑफ थिंग देखते हैं, मैंने हम लोग इसमें क्या देखते हैं, ठीक है। तो स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट काइंड ऑफ थिंग देखते हैं, अब पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला देखो जरा यहाँ पे, ठीक है, तो मैंने बोला देखो जरा यहाँ पे हम जो बात कर रहे थे वो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, स्टैंडर्ड कोन पेनिट्रेशन टेस्ट की बात कर रहे थे, तो फॉर द केस ऑफ स्टैंडर्ड कोन पेनिट्रेशन टेस्ट में आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनते जाओ मेरी बात को। मतलब मैं आपसे स्टैंडर्ड कोन पेनिट्रेशन टेस्ट की बात कर रहा हूँ, तो इसमें आप क्या करते हो, इस टेस्ट में आप क्या करते हो, मैंने बोला इस टेस्ट को जैसे आपने पेनिट्रेशन टेस्ट कभी भी परफॉर्म किया है तो वैसे किया जाता है। तो ध्यान से देखना आप क्या करते हो इसमें, मतलब ये रहा आपका पाइप जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे कि जिसके ऊपर हम लोग इस पूरे अरेंजमेंट को लगाने वाले हैं, मतलब ये रहा बॉटम आपका जिसके ऊपर आप सब कुछ रखने वाले हो, हट जाओ, ये रहा आपका बेस, रिजिड बेस जिसके ऊपर आप सब कुछ रखने वाले हो। मतलब इसके ऊपर आप अपना एक कप रखोगे जिसमें आप सॉइल भर के रखने वाले हो, ग्रीन कलर की सॉइल लेंगे, ये रहा वो कप जिसके अंदर आप अपनी सॉइल भर के रखने वाले हो, ठीक है। इस कप का साइज की अगर मैं आपसे बात करूंगा, तो इसका कप का जो साइज कंसिडर किया जाता है वो 5 सेंटीमीटर कंसिडर किया जाता है, और मतलब यहाँ से बेस भी अगर जो कंसिडर किया जाता है, मतलब जो बेस भी अगर आपको कंसिडर किया जाता है
वो 5 सेंटीमीटर कंसिडर किया जाता है। तो विड्थ देखो, विड्थ भी 5 सेंटीमीटर, हाइट भी 5 सेंटीमीटर कंसिडर की जाती है, ठीक है। हाँ, कौन पेनिट्रेशन टेस्ट ऑब्वियसली सीमेंट में भी था, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर हम लोग एक हमारा इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, इसके ऊपर अब हम क्या करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, ध्यान से देखना। ये रहा हमारा वो इंस्ट्रूमेंट, ये रहा हमारा वो इंस्ट्रूमेंट, सॉरी, ये रहा हमारा वो इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। मैं ना, ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग ना इसमें पेनिट्रेट कराना चाहते हैं, जिसको हम लोग क्या कराना चाहते हैं, पेनिट्रेट कराना चाहते हैं। मैं इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो ध्यान से सुनते जाना, मैंने इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो ध्यान से सुनते जाना। अभी अपने आप तो पेनिट्रेट हो नहीं रहा होगा, तो कैसा और होगा, इसको हमने यहां से बांध करके रखा होगा, मैंने इसको हमने क्या कर रखा है, यहां से बांध के भी रख रखा है, ये देखो यहां से हमने इसको बांध के रख रखा है, उससे हम लोग इसको धीरे धीरे पेनिट्रेट कराने वाले हैं, ठीक है, ठीक है। तो मैंने बोला ये जो एंगल है, कुछ इंपॉर्टेंट बात सुनो इसके बारे में, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बात सुनो इसके बारे में। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो एंगल होता है, इसका आगे का जो एंगल आपको देखने को मिलता है, मैंने इसके बारे में अगर आप बात करोगे तो मतलब ये जो आगे का एंगल आपको देखने को मिलता है, थीटा जिसको मैं बोल रहा हूँ, ये थीटा की वैल्यू जो कंसिडर करी जाती है वो 31 डिग्री कंसिडर करी जाती है। मतलब इस थीटा की वैल्यू कितनी कंसिडर करी जाती है, बोला थीटा की वैल्यू जो कंसिडर करी जाती है वो 31 डिग्री कंसिडर करी जाती है। मतलब ये जो आगे इसका पॉइंट है, यहां से यहां तक की बात करी जाती है तो ये कितना mm होता होगा, तो आपने बोला ये 30.5 mm आपको देखने को मिलता है। मतलब ये हाइट की बात करी जाएगी तो ये 30.5 mm आपको देखने को मिलता है। मतलब कोई अगर इसके वेट की बात करेगा आपसे, मतलब कोई अगर इसके वेट की बात करेगा तो इसको 80 ग्राम आपको देखने को मिलता है। इसका वेट जो कंसिडर किया जाता है वो 80 ग्राम कंसिडर किया जाता है, ठीक है सर। कैसे परफॉर्म किया जाता है सर इस टेस्ट को, मैंने इस टेस्ट को बहुत ही प्यार से परफॉर्म किया जाता है। देखो क्या किया जाता है, ऐसा किया जाता है आपके साथ, ध्यान से सुनना क्या किया जाता है। मैंने आप क्या करते हो, इस पूरे इंस्ट्रूमेंट को आप ना एकदम से यहां ला के रख देते हो। कहां ला के रख दिया, जस्ट टच करके आपने रखा दिया, अपने कोन के ऊपर आपने रख दिया, ठीक है। अब क्या करोगे, अब आप इसको फ्रीली स्लाइड होने दोगे, इस 80 ग्राम को आप क्या करोगे, फ्रीली स्लाइड होने दोगे, और फ्रीली स्लाइड होने दोगे, और आप ये देखना चाहते हो कि ये 5 सेकेंड्स के अंदर कितना अंदर तक वो हो गया, ठीक है, कितना अंदर तक पेनिट्रेट हो गया, कितना अंदर तक पेनिट्रेट हो गया है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई फॉरगॉट द टाइम, कितनी देर तक की बात करी थी, किसी को टाइम याद है, ठीक है, टाइम की बात नहीं करते हैं, टाइम की बात नहीं करते शायद, जो मेरे को एग्जैक्टली याद है वो टाइम की बात नहीं करते हैं। हम ये देखते हैं कि आपने क्या किया, आपने इस सीमेंट, आपने अपना सॉइल सैंपल लिया और इस सॉइल सैंपल को इसको फ्रीली पेनिट्रेट होने दिया। मैंने जब आपने इसको फ्रीली पेनिट्रेट होने दिया तो मैंने माना कि पहली बार में ये जो पेनिट्रेट हुआ है, पहली बार में जो पेनिट्रेट हुआ है वो केवल 5 mm पेनिट्रेट हुआ। मतलब वो केवल कितना पेनिट्रेट हुआ है, 5 mm पेनिट्रेट हुआ है, ठीक है सर। अगर ये केवल 5 mm पेनिट्रेट हुआ तो इसका मतलब हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि अभी जो आपकी सॉइल है वो लिक्विड लिमिट तक नहीं पहुंची है। अभी जो आपकी सॉइल है वो कहां तक नहीं पहुंची है, लिक्विड लिमिट तक नहीं पहुंची है। वेरी गुड सर, समझ में आया। मैंने अगर ये बात आपको समझ में आई तो मैंने बोला इसको क्या करोगे, फिर इस सैंपल को लोगे, इस सैंपल में पानी मिलाओगे और फिर से इस सैंपल को रख दोगे लिक्विड, इसमें आपने वाटर मिलाया, सॉइल सैंपल में आपने वाटर मिला दिया। मैंने अब वापस जब आपने टेस्ट किया तो जब आपने इसको फ्रीली स्लाइड होने दिया तो ये 10 mm पेनिट्रेट करके रुक गया, 10 mm पेनिट्रेट करके रुक गया। मैंने पूछा कि आपको लगता है लिक्विड लिमिट आ गया, बोला नहीं। मैंने बोला जब ये जब आप इस 80 ग्राम मास को, इस जिसका एंगल थीटा इज इक्वल टू 31 डिग्री है और जिसका ये जो टॉप है वो 30.5 mm है, जब ये 20 mm पेनिट्रेट कर जाएगा आपकी सॉइल में विदाउट एनी हेजिटेशन, तब आप बोलोगे, जब ये 20 mm पेनिट्रेट कर जाएगा आपके सॉइल सैंपल में, तब आप बोल पाओगे कि ये जो सैंपल है आपका, ये लिक्विड लिमिट स्टेट तक पहुंच गया, तब आपको वाटर कंटेंट पता चल जाएगा। तो आप क्या करो, पहले यहां पे ड्राई सॉइल ले लो, ड्राई सॉइल पे तो ऑब्वियसली अंदर नहीं जा रहा होगा, धीरे धीरे पानी बढ़ाते जाओ और पेनिट्रेशन चेक करते जाओ। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये 20 mm अंदर चलाया जाएगा, वही वाटर कंटेंट आपको किसको शो कर रहा होगा, वही वाटर कंटेंट आपके लिक्विड लिमिट को शो कर रहा होगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन, ठीक है, क्या ये बात समझ में आई है, सब लोगों को बोलिए यस और नो, ठीक है। मैं ये बता देता हूं कि अकॉर्डिंग टू IS 2720 के अकॉर्डिंग परफॉर्म होता है ये, ठीक है। कौन से IS कोड के अकॉर्डिंग परफॉर्म किया जाता है ये टेस्ट, तो IS 2720 के अकॉर्डिंग परफॉर्म किया जाता है ये टेस्ट, ठीक है सर। इज दिस क्लियर टू एवरीवन, क्या ये मेथड टू सब लोगों को समझ में आई है, जल्दी से बताइए, ठीक है, ठीक है।
ठीक है, जल्दी से बताइए, गिव मी अ थम्स अप, कम ऑन एवरीवन, सोए तो नहीं हो कोई भी लोग कि टेस्ट परफॉर्म करते करते सो गए, जल्दी से बताइए कोई भी आप में से सोया तो नहीं है? कौन मेडिटेशन टेस्ट? यस, ठीक है, आप में से कोई भी नहीं सोया है ना? नहीं सोया है तो चलो अब बात करते हैं आपसे श्रिंकेज लिमिट के बारे में बात करते हैं। आपने लिक्विड लिमिट जान ली है, आपको प्लास्टिक लिमिट पता है, मैं नेक्स्ट आपसे बात करने वाला हूँ श्रिंकेज लिमिट के बारे में। मतलब मैं जो आपसे बात करने वाला हूँ वो किसके बारे में बात करने वाला हूँ? मैं आपसे श्रिंकेज लिमिट के बारे में बात करने वाला हूँ। देखिएगा जरा यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, श्रिंकेज लिमिट की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, ध्यान से सुनते जाइएगा। मैंने बोला था एक एक लिमिट को इस तरीके से खोल देंगे कि आपसे कोई बात करेगा श्रिंकेज लिमिट या किसी भी बारे में, कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल के बारे में, उसको दुख हो जाएगा कि मैंने क्यों ही बात कर ली यार, इतना सारा क्यों बता रहा है ये मेरे को। ठीक है, उसको दुख होना भी चाहिए, ठीक है, उसको दुख होना भी चाहिए, जो भी आदमी आपसे बात कर रहा है टेक्निकली उसको दुख होना चाहिए कि मैंने कहां से कहां पूछ लिया यार, पूरा बता दे रहा है ये, मेरे को दुख हो जा रहा है कि मेरे को क्यों नहीं पता ये सारी बात, और यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। ठीक है, तो चलो वो बात करते हैं, चलो वो बात करेंगे। ठीक है, क्या कह रहे हो 31 डिग्री सर? थीटा की वैल्यू क्या है? थीटा की वैल्यू 31 डिग्री है यार, तब जागी तुम ऐसा बात करोगे तो कैसे चलेगा? यू गेव द नेम सॉइल मैकेनिक्स, सॉइल मैकेनिक्स इज द नेम गिवन बाय यू ओनली, हाउ कैन यू से दिस की 31 डिग्री कैसे? वीडियो प्राइवेट हो जाएगा क्या? वीडियो प्राइवेट होता ही नहीं है कभी। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं। ओके ब्रो, ठीक है, तो देखना जरा यहां पे बात कर रहे हैं, चलिए आइए बात कर रहे हैं। तो मैंने बोला देखो जरा यहाँ पे और बात कर रहे हैं, मैंने बोला श्रिंकेज लिमिट की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, आप किसकी बात कर रहा हूँ? श्रिंकेज लिमिट की बात कर रहा हूँ। तो श्रिंकेज लिमिट आप जानते हो, श्रिंकेज लिमिट के बारे में अगर मैं आपसे स्टेटमेंट वाइज बात करूं तो आप श्रिंकेज लिमिट के बारे में ये बहुत अच्छे से जानते हो। आप श्रिंकेज लिमिट के बारे में, लॉकडाउन इफेक्ट वाला तरता जागी है ये, ठीक है, मैंने आप श्रिंकेज लिमिट के बारे में बहुत अच्छा जानते हो कि श्रिंकेज लिमिट इज द मिनिमम वाटर कंटेंट, ध्यान से सुना, श्रिंकेज लिमिट इज द मिनिमम वाटर कंटेंट बिलो विच देर इज जीरो चेंज इन वॉल्यूम, देर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम। अगर वाटर कंटेंट श्रिंकेज लिमिट से कम हुआ तो वॉल्यूम में चेंज होना बंद हो जाएगा आपकी सॉइल में, और अगर श्रिंकेज लिमिट से वाटर जरा सा भी ज्यादा हुआ तो आपकी सॉइल का वॉल्यूम चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो श्रिंकेज लिमिट इज द लिमिट मिनिमम वाटर कंटेंट at which your water, at which your soil sample stops showing change in volume. बोलो हाँ, ये बात समझ में आया? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये बात हमको समझ में आ गई। अगर ये बात हमको समझ में आती है, श्रिंकेज लिमिट के बारे में ये बात समझ में आती है, तो श्रिंकेज लिमिट के बारे में कुछ बात और करता हूं। देखो डायरेक्ट एक टेबल बनवा देते हैं जो आपको हमेशा याद रहेगी, एक टेबल बनवा देते हैं जो आपको हमेशा याद रहेगी। मैंने ये वो पॉइंट है जिसपे वाटर कंटेंट किसके बराबर है? जीरो के बराबर। मैंने ये वो पॉइंट है, ध्यान से देखो, आपको एक टेबल बनवा देता हूं, ये टेबल अब आपको हमेशा याद रहेगी, आपकी लाइफ लॉन्ग आपको ये टेबल याद रहेगी। ठीक है, तो ये टेबल अब आपको लाइफ लॉन्ग याद रहेगी, ध्यान से देखो इस टेबल को, मैंने ध्यान से देखो इस टेबल को, आप लाइफ लॉन्ग याद रखना है अब आपको इस टेबल को, ध्यान से देखो अब आपको इसको लाइफ लॉन्ग याद रखना है। मैंने ये देखो, मैंने ये देखो इस टेबल को ध्यान से देखते जाना, ये वो पॉइंट है, मैंने ये वो पॉइंट है जहां पे आपने देखा वाटर कंटेंट आपका किसके बराबर? जीरो के बराबर। मैंने ये वो पॉइंट है जहां पे आपने वाटर कंटेंट देखा, और इस वाटर कंटेंट W की क्या वैल्यू थी? तो आपने बोला यहां पे वाटर कंटेंट सर मेरा जीरो के बराबर था। आपका वाटर कंटेंट किसके बराबर है? जीरो के बराबर है। ठीक है सर, ये बात तो हमारे समझ में आ गई, ठीक है सर, ये बात तो हमारे समझ में आ गई। मैंने और बात करते हैं, मतलब वॉल्यूम चेंज होगी बेटा श्रिंकेज लिमिट के बाद, वॉल्यूम चेंज कहां होती है श्रिंकेज लिमिट के पहले? आपने कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल देखा ना? हाँ, अब आ गया याद। अब चंगू मंगू तुम मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, अब तुम मेरी बात को ध्यान से सुनोगे, और मेरी बात को तुम क्यों ध्यान से सुनोगे? क्योंकि तुमको चाहिए था कि वाटर कंटेंट को कम करके बताओ सर, शुरू से लाके श्रिंकेज लिमिट तक लेके जाओ, लिक्विड लिमिट से श्रिंकेज लिमिट तक लेके जाओ। तो आज तुमसे ही बात करेंगे, ठीक है, आज तुमसे ही बात करेंगे, ठीक है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। मैंने ये वाटर कंटेंट जो है यहाँ पे वो किसके बराबर है? जीरो के बराबर।
मैंने आपने वाटर कंटेंट बढ़ाते गए अब हम कहां पे आ गए, मैंने बोला अब हम श्रिंकेज लिमिट पे आ गए। अब हम कहां पे आ गए, श्रिंकेज लिमिट पे आ गए। मैंने इस पोर्शन में अगर आप किसकी बात करोगे, मैंने इस पोर्शन में अगर आप डिग्री ऑफ सैचुरेशन एस की बात करोगे, मैंने एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपने बोला एस रिप्रेजेंट कर रहा है डिग्री ऑफ सैचुरेशन को। ध्यान से सुनना, एस रिप्रेजेंट कर रहा है डिग्री ऑफ सैचुरेशन को, रिप्रेजेंट कर रहा है एस रिप्रेजेंट कर रहा है डिग्री ऑफ सैचुरेशन को। तो मैंने डिग्री ऑफ सैचुरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैंने एस का वैल्यू यहां पे कहां से कहां लाया करता है, तो इस पर्टिकुलर केस में एस का वैल्यू जो लाया करता है वो जीरो से लेके वन के बीच में लाया करता है। तो आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन कहां से कहां लाया करता है, इस केस में जब वाटर कंटेंट जीरो है और वाटर कंटेंट श्रिंकेज लिमिट के बराबर है, तो आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन कहां पे लाया करता है, जीरो से वन के बीच में लाया करता है। और इसके बाद कहीं पे भी आप अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन की बात करोगे तो एस का वैल्यू क्या होता है, वन होता है। ठीक है, इसका वैल्यू, एस का वैल्यू क्या होता है, वन होता है। अब वो भले ही प्लास्टिक लिमिट पे बात कर लो, आप लिक्विड लिमिट पे बात कर लो, या उसके बाद भी बात कर लो। तो देखा आपने, ये हुई बात किसके बारे में, श्रिंकेज लिमिट के बारे में बात हुई आपसे। ठीक है सर, मैंने वॉल्यूम की बात करते हैं, मैंने बोला ये किसके बारे में बात थी, ये आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन के बारे में मैंने आपसे बात करी। ध्यान से देखना, मैंने ये मैंने किसके बारे में बात करी आपसे, तो मैंने बोला ये मैंने आपसे बात करी डिग्री ऑफ सैचुरेशन के बारे में बात करी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन के बारे में बात करी। सर वॉल्यूम के बारे में भी और बता दो, मजा आ जाएगा। मैंने वॉल्यूम के बारे में भी लिख लेंगे हम लोग, कि वॉल्यूम की अगर कोई भी आपसे बात करेगा तो आप बोलोगे कि यहां पे जहां पे वाटर कंटेंट जीरो है और यहां पे जहां पे श्रिंकेज लिमिट वन हो रही है, मैंने बोला वहां से वहां तक आपका जो वॉल्यूम है वो हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। वॉल्यूम क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। आपका जो वॉल्यूम रहने वाला है वो कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है सर, ये बात तो हमारे समझ में आ गई। मैंने इसके बाद अगर आप बात करते हो कहीं पे भी, इसके बाद अगर आप कहीं पे भी बात करते हो, तो आपका जो वॉल्यूम है वो क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। वॉटर बढ़ाने से आपका वॉल्यूम क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। तो जीरो से जैसे ही आप आगे आगे बढ़ते जाओगे, तो श्रिंकेज लिमिट तक आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन का वैल्यू जीरो से वन रहेगा। और अगर आप वॉटर कंटेंट की बात करोगे, तो जीरो से लेकर श्रिंकेज लिमिट तक आपका वॉटर कंटेंट, सॉरी वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रहेगा, और उसके बाद आपको वॉल्यूम हमेशा इंक्रीजिंग देखने को मिलेगा। क्या ये बात क्लियर हुई है? मतलब ये टेबल आपको कभी नहीं भूलना है श्रिंकेज लिमिट के बारे में। ठीक है, इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन? क्या ये बात सब लोगों को समझ में आई है, बोलिए हाँ या ना। ठीक है भाई, अगर ये बात समझ में आ गई है, अगर ये बात समझ में आ गई तो और बात करते हैं। चलिए आइए और बात करते हैं। मैंने अगर आपको ये बात समझ में आ गई, तो मैंने बोला देखो जरा, यहां पे आपकी सॉइल रहेगी सॉलिड स्टेट में, और यहां पे आपकी सॉइल रहेगी लिक्विड प्लास्टिक लिमिट के पहले सेमी सॉलिड स्टेट में। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो, श्रिंकेज लिमिट वो पॉइंट है जहां पे आपकी सॉइल सॉलिड से सेमी सॉलिड में कन्वर्ट हो सकती है, या सेमी सॉलिड से सॉलिड में कन्वर्ट हो सकती है। ये भी बात समझ गए सर? बोलो हाँ या ना, जल्दी से बोलेंगे। ठीक है सर, ये भी बात समझ में आ गए। अगर ये भी बात समझ गए, तो आप देखते हैं कि श्रिंकेज लिमिट को निकालते कैसे हैं। सर क्वेश्चन तो कैसे बनेगा, इतनी थ्योरी पढ़ा दोगे तो, मतलब कैसे नहीं बनेगा। जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, क्वेश्चन हिलेगा भी नहीं। और एक बार अगर कंसेप्ट क्लियर है, तो देखना कितनी जल्दी जल्दी बात करोगे अभी आप लोग स्वयं 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 तुम लोग ही बात करोगे, देखना अभी जरा। तो अब हम बात कर रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ श्रिंकेज लिमिट। देखते हैं श्रिंकेज लिमिट कैसे निकालना है। हाँ तो मेरे चीतो, हाँ भाई चंगू मंगू गेमिंग, आ जाओ तुम्हारी बात करते हैं। तुमको देखना था ना कि पानी फुल भरा है सर, सैचुरेटेड सॉइल की बात कर रहे हैं सर, लिक्विड लिमिट के ऊपर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो तुम्हारे हिसाब से अब बात करेंगे। तो मैंने एक सॉइल सैंपल ले रहा हूं, ध्यान से देखो सब लोग, मैंने एक सॉइल सैंपल ले रहा हूं, ये रहा वो सॉइल सैंपल, सॉरी मैंने एक सॉइल सैंपल ले रहा हूं, ध्यान से देखते जाना, ये रहा वो सॉइल, सॉरी मैंने ये रहा वो, ये लो, मैंने थोड़ा सा भी आलसी करने का सोचता हूँ, ये बोर्ड नहीं करने देता है। ठीक है, तो ये रहा आपका वो सॉइल सैंपल। मैंने इस सॉइल सैंपल में अभी जो वाटर कंटेंट है वो श्रिंकेज लिमिट से ज्यादा है। मैंने इस सॉइल सैंपल में वी विल द वर्ड सर, डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज इक्वल टू 0 to 1, नॉट बिटवीन दीज ओनली, सर डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज इक्वल टू 0 to 1, नॉट बिटवीन दीज ओनली। समझा नहीं बेटा क्या बोलना चाह रहे हो, समझा नहीं क्या बोलना चाह रहे हो, बताओ। सॉरी
समझा नहीं क्या बोलना चाह रहे हो, बताओ। ठीक है चलो मैं बात करता हूँ, तब तक तुम बताने की कोशिश करो तुम क्या बोलना चाह रहे हो, तब तक तुम बताने की कोशिश करो तुम क्या बोलना चाह रहे हो। मतलब देखना चंगू वंगू तुम्हारे लिए बात हो रही है, ये केवल तुम्हारे लिए बात हो रही है केवल। मतलब ये आपका कोई भी सॉइल सैंपल था, इस सॉइल सैंपल में हमने क्या किया, मतलब ध्यान से देखते जाओ, इस सॉइल सैंपल में हमने क्या किया, इस सॉइल सैंपल में हमने मिलाया सॉलिड, ये रहा आपका सॉलिड। मतलब ये सॉइल सैंपल में आपका कौन है, मतलब ये रहा आपका सॉलिड, ठीक है सर, ये रहा हमारा सॉलिड, इस सॉइल सैंपल में ये सॉलिड है, और मैंने बोला ये आपका पानी भरा हुआ है, ऊपर तक क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, ठीक है सर। तो मैंने इसमें क्या भर देते हैं हम लोग, वाटर फिल कर देते हैं, सॉरी मेरे फेवरेट कलर से फिल करेंगे आज वाटर। तो मैंने बोला इसमें क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है ऊपर तक, ठीक है सर, यहां तक पानी भरा हुआ है। मैंने बोला इसका मास कैलकुलेट कर लो, तो आपने इसका टोटल मास कैलकुलेट करा, तो आपने बोला ये किसके बराबर है, m1 के बराबर है, ध्यान से सुनते जाना। मैंने इसका मास किसके बराबर है, m1 के बराबर है, ठीक है सर। मैंने अगर यहां पे बात करोगे तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, आपने बोला ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के बराबर होगा, ये vs बोल देता हूं, ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के बराबर होगा, तो आपने इसको क्या बोल दिया, vs बोल दिया, ठीक है सर। मैंने इसकी टोटल वॉल्यूम की अगर आप बात करोगे, तो इसकी टोटल वॉल्यूम की अगर मैं आपसे बात करता हूं यहां से यहां तक की, तो इसकी टोटल वॉल्यूम को हमने v1 बोल दिया। मैंने इसकी टोटल वॉल्यूम को हमने क्या बोल दिया, v1 बोल दिया, ठीक है सर, ये लो। मैंने इसकी टोटल वॉल्यूम को हमने क्या बोल दिया, v1 बोल दिया, ठीक है सर। मैंने चंगू मंगू ये था तुम्हारा श्रिंकेज लिमिट के पहले की बात, श्रिंकेज लिमिट के बाद की बात, समझ रहे हो पहले। अब हम उल्टा आ रहे हैं कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल में, अब हम उल्टा आ रहे हैं। तो जब हम उल्टा आ रहे हैं तो ध्यान से देखना, अब इसको कर देते हैं ड्राई, मैंने इसको कर देते हैं ड्राई, और ड्राई एग्जैक्टली ड्राई नहीं कर रहे हैं हम, इसमें से पानी को थोड़ा सा उड़ा दे रहे हैं, मैंने इसमें से वाटर को थोड़ा सा इवापोरेट करा देते हैं, ठीक है, वाटर को थोड़ा सा इवापोरेट करा देते हैं। कितना इवापोरेट कराना है, मैंने बोला इतना इवापोरेट कराऊंगा कि बस मेरा वाटर कंटेंट, जो मेरा वाटर कंटेंट है वो श्रिंकेज लिमिट तक पहुंच जाए, ठीक है सर, वाटर कंटेंट श्रिंकेज लिमिट तक पहुंचा दो। तो मैंने ये रही आपकी सॉइल, और जैसे ही आपने वाटर कंटेंट श्रिंकेज लिमिट तक पहुंचाया होगा, तो अब आपको ये सॉइल सैंपल ऐसा दिख रहा होगा, यस सर। मतलब क्या जब आपने इसको इवापोरेट कराया तो सॉलिड में कोई चेंज देखने को मिला, मैंने जब आपने इसको इवापोरेट कराया तो क्या सॉलिड में कोई चेंज देखने को मिला, बोला नहीं सर। तो मैंने देखो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड रहने वाले हैं सेम, मैंने देखो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड रहने वाला है सेम, तभी मैंने यहां से उठा के कॉपी किया है वहां पे। तो मैंने आपको कौन देखने वाला है सेम, कौन दिखने वाला है, तो बोला सर ये जो सॉलिड्स हैं ये तो सेम रहने वाला है। तो मैंने इसको आप क्या नाम देते हो, तो आपने बोला सर ये आज भी ये किसके बराबर होगा, ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के बराबर ही होगा, जिसको हम वीएस बोल रहे हैं। ऑसम, मैंने आज भी ये किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के बराबर ही होगा, जिसको हमने क्या बोला है, वीएस बोला है। बोला हाँ सर ये तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के बराबर ही होगा, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के बराबर होगा। मैंने बोला जब आपने इसमें से पानी उड़ा दिया है, मैंने जब आपने इसमें से पानी उड़ा दिया फिर भी ये सैचुरेटेड स्टेट में ही रहेगा, क्योंकि ये हम कहां पे बात कर रहे हैं, मैंने ध्यान से सुनना, ये हम बात कर रहे हैं किसी भी, इसका मास की हम बात करते हैं तो इसको m2 बोल रहे हैं। मैंने ये वो कंडीशन है वाटर कंटेंट की जब इट इज ग्रेटर देन श्रिंकेज लिमिट होगा, और ये वो कंडीशन है वाटर कंटेंट की जो इक्वल टू श्रिंकेज लिमिट आपको देखने को मिल रहा है, वाटर कंटेंट इक्वल टू श्रिंकेज लिमिट, वाटर कंटेंट ग्रेटर देन श्रिंकेज लिमिट, ठीक है। तो जब आपने वाटर को उड़ा दिया लेकिन यहाँ पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन s इज इक्वल टू आज भी 1 रहेगा, किस पे, श्रिंकेज लिमिट पे बात करी, ठीक है सर। क्या चेंज आया होगा वॉल्यूम में वो बात करो, तो मैंने बोला इसकी टोटल वॉल्यूम कितनी, मैंने पूछा इसकी टोटल वॉल्यूम कितनी, तो तुमने बोला सर इसकी टोटल वॉल्यूम v2 के बराबर है। इसकी टोटल वॉल्यूम जो श्रिंकेज लिमिट पे आपको जो सैंपल दिख रहा है उसकी टोटल वॉल्यूम किसके बराबर है, v2 के बराबर है। मतलब कितना लॉस हुआ है वाटर में वो बता सकते हो सर, मतलब बिल्कुल बता सकते हैं। तो देखो जरा यहां से जो लॉस हुआ होगा वो इसके बराबर होगा, बोला जो भी वाटर का लॉस हुआ होगा वो किसके बराबर होगा, तो आपने बोला सर v1 माइनस v2 कर दूं तो पता चल जाएगा कितना लॉस हुआ है वाटर का, कितना लॉस हुआ है, तो आपने बोला v1 माइनस v2 के बराबर, ठीक है सर। ये बात तो हमारे समझ में आ गई, क्या कह रहे हो सर, आपने डायग्राम में डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 टू 1 लिखा था अप टू श्रिंकेज लिमिट, बट इट इज इक्वल टू 0 एंड 1, मींस अप टू श्रिंकेज लिमिट डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। बेटा आओ जरा मेरे लाल, मैंने बोला ये डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी, देख रहे हो ये साइन, मैंने इस साइन को बोलते हैं, ये देखो डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 से बड़ा, ग्रेटर देन बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं स्मॉलर देन 1।
तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो इस रेंज में रहेगी श्रिंकेज लिमिट में, वो जीरो से बड़ी रहेगी और वन से छोटी रहेगी। समझ में आया? अभी समझ में आया गया होगा, ठीक है? इक्वल टू नहीं बोला है मैंने कभी, जीरो से वन के बीच में रहेगी ये बोला है मैंने, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है, ये बात तो हमारे समझ में आ गई, ठीक है, ये बात तो हमारे समझ में आ गई। मैंने कोई अगर यहां पे हमसे बात करता है, मैंने देखो जरा यहां पे, कोई अगर हमसे यहां पे बात करता है तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, ये किसके बराबर है? मैंने ये MD के बराबर है, मास ऑफ सॉलिड के बराबर है, और मैंने ये है इसका मास ऑफ सॉलिड MD के बराबर है, ठीक है सर, ये हमको समझ में आया, ये मास ऑफ सॉलिड MD के बराबर है, ठीक है। अगर ये मास ऑफ सॉलिड MD के बराबर है तो मैंने बोला अब इसको क्या कर देते हैं, पूरा ड्राई कर देते हैं, इस सैंपल को पूरा ड्राई कर देते हैं। तो जब हम इस पूरे सैंपल को ड्राई कर रहे हैं तो मैंने देखो जरा यहां पे फिर से आपने इसको उठाया, मतलब मैं इसको ही उठा लेता हूं, पूरे इसको ही उठा लेता हूं, पूरा इसको उठा देता हूं, ठीक है, ये करा कॉपी और ये करा पेस्ट, ठीक, ये रहा आपका, मतलब ये ड्राई सैंपल है। अगर ये ड्राई सैंपल है तो मैं क्या करता हूं, ध्यान से देखना, अगर ये ड्राई सैंपल है तो मैं कुछ पोर्शन को डिलीट कर देता हूं इसमें से, ये रहा वो पोर्शन जिसको हम कर देते हैं डिलीट, ये पूरा पानी हमने उड़ा दिया, देखो रे पूरा पानी हमने उड़ा दिया, स्वयं हमने खुद अपने हाथों से इस पानी को उड़ाया है, ठीक है, किसने उड़ाया है, स्वयं तुमने अपने हाथों से, तो ये पूरे पानी को उड़ा दिया है। मतलब जब आपने पूरे पानी को उड़ा दिया, क्या वॉल्यूम में कोई चेंज देखने को मिलेगा? नहीं सर, इसका वॉल्यूम किसके बराबर होगा? तो आपने बोला कि भले ही सर इसको आप MD बोल रहे हो, मास ऑफ सॉइल इन ड्राई स्टेट बोल रहे हो, MD बोल रहे हो, ठीक है, ये MD बोल रहे हो, क्या यहां पे वाटर कंटेंट कुछ भी है? नहीं, मतलब ये केवल मास ऑफ सॉलिड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, बोला हाँ, तो मैंने बोला इसका मास अभी MD के बराबर है, लेकिन इसका जो वॉल्यूम रहेगा वो किसके बराबर रहेगा? इसका वॉल्यूम जो रहेगा वो V2 के बराबर ही रहेगा, एंड दैट V2 इज इक्वल टू VD के बराबर, वॉल्यूम ऑफ सॉइल इन ड्राई स्टेट जो रहेगी वही वॉल्यूम V2 के बराबर रहेगा। ये बात समझ में आ रहा है? क्या कह रहे हो, इक्वल टू हो सकता है? नहीं हो सकता है। जब श्रिंकेज लिमिट पे आओगे तभी इक्वल टू वन हो सकता है, जीरो जरूर हो सकता है, जीरो जरूर हो सकता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन जीरो हो सकता है ऑब्वियसली, ठीक है, जो बात बोल रहा हूं वो समझ में आ रहा है ना सबको? ठीक है, ड्राई सॉइल तो लिया ही था वहां पे, ड्राई सॉइल तो लिया ही था, डिग्री ऑफ सैचुरेशन स्वयं जीरो हो गया था। सर इफ वी एड सॉल्यूशन अदर देन वॉटर इन सॉइल, डिग्री ऑफ सॉल्यूशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन विल चेंज और नॉट? यस इट विल चेंज। मैंने बोला अब जो आपसे बात करी जाती है सॉइल के बारे में, जब भी बात करी जाती है डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑब्वियसली चेंज, मैंने वॉटर की जो वेटिंग प्रॉपर्टी होती है उसके कारण ये सारी बातें होती है। मैंने अगर आप वॉटर की जगह कोई भी आप दूसरा जैसे कि आप केरोसिन ले लो, केरोसिन की वेटिंग प्रॉपर्टीज नहीं होती है, तो केरोसिन की वेटिंग प्रॉपर्टीज नहीं होती है, वॉटर की क्यों होती है? उसके आयन्स के कारण होती है, तो उसके आयन्स के कारण आपको इसका वेटिंग प्रॉपर्टी देखने को मिलता है, और इसको होल्डिंग जो आपको एक दूसरे के साथ होल्ड करके रख पाता है वो देखने को मिलता है। तो अगर वो वेटिंग प्रॉपर्टीज नहीं होती तो ऑब्वियसली डिग्री ऑफ सैचुरेशन चेंज हो जाता है, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट बात कर रहे हैं, मैंने बोला ये हुई बात, आपका पूरा आपको फिगर दिख रहा है आपके सामने, ठीक है, और ये क्या बोल रहा है यहां पर, डिग्री ऑफ सैचुरेशन एस इज इक्वल टू वॉटर कंटेंट इज इक्वल टू जीरो के बराबर, ये ड्राई स्टेट में आपसे बात हो रही है, ठीक है सर। सर मेरे को श्रिंकेज लिमिट निकालना है, मैंने श्रिंकेज लिमिट निकालना है, ध्यान से सुनो, अब आपको श्रिंकेज लिमिट निकालना है, ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला, तुम्हारा नाम क्या था, चंगू मंगू, ये देखो मैंने यहाँ पे श्रिंकेज लिमिट से ज्यादा पानी, उसके बाद सुखा के श्रिंकेज लिमिट तक पानी, उसके बाद सुखा के ड्राई सॉइल, यही बनाया मैंने तुम्हारे लिए। मैंने बोला अगर आपको श्रिंकेज लिमिट निकालना है, WS निकालना है, तो आप बोलोगे श्रिंकेज लिमिट इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, तो मैंने बोला ये तो वॉटर कंटेंट है, श्रिंकेज लिमिट मतलब वॉटर कंटेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर वॉटर कंटेंट बोलते हो आप तो वाटर कंटेंट क्या बोल सकते हो, मैंने मतलब मास के टर्म्स में यहां पे बात कर रहा हूं, तो मैं ऐसा बोल दूं मास ऑफ वाटर इन स्टेट टू, कौन सी स्टेट में बात कर रहा हूं, सेकंड स्टेट में बात कर रहा हूं, ये है आपकी सेकंड स्टेट, ये है आपकी फर्स्ट स्टेट, और ये आपकी थर्ड स्टेट, तीन स्टेट्स की बात कर रहा हूं। तो मैंने बोला देखो जरा यहां पे, मास ऑफ वाटर इन स्टेट टू डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉलिड, वाटर कंटेंट तो यही होता है, मास ऑफ वाटर इन स्टेट टू डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉलिड इन स्टेट टू, बोलो हाँ या ना, कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हो, मास ऑफ वाटर इन स्टेट टू डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉलिड इन स्टेट टू, ठीक है, कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं, ठीक है सर, ये बात तो समझ में आया। मैंने मास ऑफ सॉलिड इन स्टेट टू की जगह कुछ भी नहीं लिखता, केवल मास ऑफ सॉलिड लिखता तो भी सही बात होती, क्यों, क्योंकि तीनों में मास ऑफ सॉलिड तो चेंज नहीं हो रहा होगा, तो मेरे को मास ऑफ सॉलिड इन स्टेट टू लिखने की जरूरत ही नहीं थी।
अब हम देखेंगे मास ऑफ वाटर कितना है स्टेट टू में, मास ऑफ वाटर कितना है। ठीक है सर, मास ऑफ वाटर निकालने चलते हैं हम लोग। तो मैंने बोला देखो जरा यहां पे पता कर लेते हैं कि मास ऑफ वाटर कितना है। मैंने स्टेट वन में अगर आपसे कोई भी बात करेगा कि मास ऑफ वाटर कितना है, तो मैंने बोला देखो जरा यहां पे मैं बता रहा हूं आपको मास ऑफ वाटर इन स्टेट वन, मैं आपको बता रहा हूं मास ऑफ वाटर इन स्टेट वन। तो स्टेट वन में मास ऑफ वाटर अगर आपको निकालना था तो टोटल मास कितना था m1 था और मास ऑफ सॉलिड कितना था md था। तो यहां पे अगर मास ऑफ वाटर इन स्टेट वन निकालना है तो किसके बराबर हो जाएगा, आपने बोला m1 में से मास ऑफ सॉलिड को गायब कर दो। ठीक है, टोटल मास में से मास ऑफ सॉलिड को गायब कर दो, आपको पता चल जाएगा किसके बराबर है। टोटल मास में से मास ऑफ सॉलिड गायब कर दो, आपको पता चल जाएगा मास ऑफ वाटर किसके बराबर है। ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गया। तो मैंने बोला यहां पे पता चल गया मास ऑफ सॉलिड किसके बराबर है। ठीक है, मतलब अब इस पहली स्टेट में से इतना पानी का मास अगर हम कम कर दें, जितना पानी यहां पे वॉल्यूम ऑफ वाटर लॉस हुआ था, उस वॉल्यूम ऑफ वाटर का अगर हमको मास पता चल जाए, तो मैंने बोला वॉल्यूम पता है, बोले हाँ। मैंने पूछा डेंसिटी वाटर है, बोला हाँ। तो मैंने बोला इसको अगर मैं डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर दूं तो मास आ जाएगा क्या? आपको पास वॉल्यूम ऑफ वाटर लॉस पता है तो अगर डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मास पता चल जाएगा, बोला हाँ सर पता चल जाएगा। तो मैंने बोला देखो जरा यहां पे मास ऑफ वाटर लॉस्ट फ्रॉम स्टेज वन टू स्टेज टू, फ्रॉम स्टेज वन टू स्टेट टू, स्टेट वन से स्टेट टू में जो मास ऑफ वाटर है वो किसके बराबर हो जाएगा, बोला जो भी वॉल्यूम में लॉस हुआ है वी वन माइनस वी टू मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो आपने देखा वी वन माइनस वी टू मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। कितने लोगों को ये बात हजम करने में दिक्कत है, कितने लोगों को ये बात डाइजेस्ट हो गई है, जल्दी से बताओ कितने लोगों को ये बात डाइजेस्ट हो जा रही है कि मास ऑफ वाटर लॉस्ट फ्रॉम स्टेज वन, स्टेज वन से स्टेज टू में आप जब आ रहे हो तो कितना मास ऑफ वाटर लॉस हुआ है वो बात कर रहे हैं। तो मास ऑफ वाटर जो लॉस हुआ है दैट इज इक्वल टू वी वन माइनस वी टू मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। कितने लोगों को इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कितने लोगों को इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, चेक करके बताइए जरा। चेक करके बताइए कितने लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सब लोगों को ये बात समझ में आई है, सब लोगों को ये बात समझ में आई है, बोलिए यस और नो, गॉट इट। ठीक है, अगर सब लोगों को ये बात समझ में आ गई है तो मैंने बोला यहां पे टोटल मास कितना है, मास ऑफ वाटर कितना है, बोला एम वन माइनस एम टू एम डी सॉरी यहां पर मास ऑफ वाटर कितना है एम वन माइनस एम डी। मैंने इसमें से अगर ये मास माइनस कर दूं तो ये मास आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। मैंने इस टोटल m1 माइनस md में से, इस m1 माइनस md में से अगर ये मास ऑफ वाटर माइनस कर दूंगा क्योंकि ये तो हवा में उड़ जा रहा है वापरेट होके, तो ये आ जाएगा मास ऑफ वाटर, बोलो हाँ। तो अगर ऐसी बात है तो हम बोल पाएंगे, ध्यान से सुनना, हम ऐसा बोल पाएंगे कि मास ऑफ वाटर इन स्टेट टू, मास ऑफ वाटर इन स्टेट टू इज इक्वल टू एम वन माइनस एम डी माइनस वी वन माइनस वी टू मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। कितने लोगों को ये बात एकदम क्लियर है, कितने लोगों को ये बात एकदम क्लियर है कि मास ऑफ वाटर इन स्टेट टू इज इक्वल टू एम वन माइनस एम डी माइनस वी वन माइनस वी टू इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। ये तो क्लियर होना चाहिए, कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई है। अगर ये बात समझ में आ गई है तो अगर मैं आपसे श्रिंकेज लिमिट की बात करता हूं तो देखो कितनी आसानी से आप बोल पाओगे कि इट इज मास ऑफ वाटर इन स्टेज टू डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉलिड। और ये निकाल लिया आपने, ये निकाल लिया, हो गया काम आपका। तो आपने क्या बोल रखा है, यहां पे बोल रखा है m1 माइनस md माइनस v1 माइनस v2 इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर होल डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉलिड। बोलो आ गया श्रिंकेज लिमिट निकालना, कितना आसान था।
मैंने बोला इसी के लिए, इसी दिन के लिए बेस स्ट्रांग कर रहे थे, अब आपको कितनी आसानी से ये श्रिंकेज लिमिट निकालना आ गई है। आई एम टेलिंग यू, जो लोग पेड कोर्स में भी पढ़ रहे हैं ना, उन लोग को भी टेंशन हो जाता है ऐसी बातें करने में कि m1 minus md minus v1 minus v2 into density of water. नहीं समझ में आता है कहां वॉल्यूम चेंज हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, क्यों इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। और अगर आपको नहीं समझ में आया अभी तो अभी बोलो, अभी रिपीट करेंगे, लेकिन आई डोंट वॉन्ट कि मेरा कोई भी स्टूडेंट बाद में ना परेशान हो रहा हो कि सर समझ में नहीं आ रहा है, सर क्या लिखा हुआ ये m1 minus m2 और ये सब। तो अभी बोलोगे, अभी रिपीट कर देंगे, सब कुछ समझ में आया सब लोगों को, बोलो हाँ या ना। सब कुछ समझ में आ गया सब लोगों को, बोलिए यस और नो। ठीक है, एक बार कर दो, ठीक है। तो सुनो रूपाली, फिर से सुनो, तुम्हारे लिए बात कर रहे हैं, अब इंडिविजुअल रूपाली के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। एक बार इंडिविजुअल रूपाली के लिए बात कर रहे हैं, ये लो तुम्हारे लिए बात करते हैं। क्या इसमें पानी दिख रहा है तुमको, क्या इसमें पानी दिख रहा है? ठीक है, ठीक है, एक बार रिपीट कर रहे हैं, चलो रिपीट कर रहे हैं, सब कुछ क्लियर दिखेगा, सब कुछ क्लियर दिखेगा। आई एम टेलिंग यू, ऐसा होने ही नहीं देंगे कि तुमको ना समझ में आए कोई भी बात, मैं सब कुछ क्लियर दिखेगा। मैंने बोला ये एक सॉइल सैंपल है, ये पूरी बॉटल क्या है, एक सॉइल सैंपल है। मैंने इसमें अभी नीचे आपको वाटर दिख रहा है, लेकिन नीचे सॉलिड होना चाहिए, इसमें अभी नीचे आपको पानी दिख रहा है, नीचे सॉलिड भरा हुआ है, ठीक है, नीचे सॉलिड भरा हुआ है। और जो ये खाली पोर्शन दिख रहा है, इसको मान लो ये पूरा क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। ये खाली पोर्शन क्या है, पूरा पूरा पानी है इसमें, ठीक है सर, ये बात तो समझ में आया। मतलब ये वो स्टेट है, मतलब ये वो स्टेट है, ये वो स्टेट है। मतलब इसको एक हमने वेइंग मशीन पर रखा, तो हमने देखा इस टोटल का मास कितना था, इस टोटल सॉइल का मास कितना था, आपने बोला टोटल सॉइल मास m1 के बराबर था, ठीक है सर। पूछा, मैंने पूछा आपसे इसमें मास ऑफ सॉलिड कितना था, आप बता सकते थे, मास ऑफ सॉलिड को md से आपने रिप्रेजेंट किया, ठीक है सर। मैंने बोला वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना, आप वॉल्यूम ऑफ सॉलिड भी बता सकते थे, आपने वॉल्यूम ऑफ सॉलिड भी बता दिया कि vs के बराबर है, ठीक है, ऐसे नहीं बता पाओगे, बाद में पता चलेगा कैसे बता पाओगे, अभी बस इतना जानो कि md और vs, vs सॉलिड है, ठीक है सर, ये बात तो हमारे समझ में आया। Sorry, I'm unable to perform that task. मेरे सिरी को कुछ हो गया, एकदम से बोलने लग गई, ठीक है, अरे रुक जा, ठीक है। तो मैंने बोला देखो जरा यहाँ पे, ठीक है, मैंने देखना जरा यहाँ पे, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, ये इस स्टेट पे, ठीक है। अब क्या हुआ कि आपने इसमें से कुछ पानी को उड़ा दिया, कुछ पानी को उड़ा दिया, मैं मान लेता हूं ये वाटर था, जो खाली स्पेस था वो वाटर था, और ये जो दिख रहा है आपको वाटर, मतलब ये क्या था, ये सॉलिड था। आपने इसमें से कुछ पानी को उड़ा दिया, मतलब आपने इसको काट दिया, ये पानी उड़ गया आपका, इवापोरेट होके उड़ गया। तो अब मैंने जहां पे वाटर पकड़ रखी है, उतनी छोटी बॉटल है आपकी, तो मैंने बोला ये अब ये जो वॉल्यूम है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वी टू को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका टोटल वॉल्यूम वी वन था, और ये जब पानी उड़ा दिया तो ये जो वॉल्यूम दिख रहा है वो V2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो वॉल्यूम दिख रहा है अब आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, V2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब कुछ पानी उड़ गया है, वो पानी कितना उड़ा है आप ये बताओ। तो आपने बोला इसका टोटल वॉल्यूम V1 था अगर, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड तो दोनों जगह सेम है अगर, तो कौन उड़ा है, पानी उड़ा है। पानी का वॉल्यूम कितना चेंज होगा, तो आपने बोला टोटल वॉल्यूम में से इसका वॉल्यूम अगर मैं माइनस कर दूंगा तो पता चल जाएगा उतना ही पानी उड़ा है। तो आपने बोला V1 माइनस V2 पानी उड़ा है, ठीक है। मतलब ये जितना पानी उड़ा है इसका मास बता सकते हो? तो आपने बोला अरे सर देखो ना सर, डेंसिटी ऑफ वाटर होता है मास अपॉन वॉल्यूम के बराबर। तो सर अगर मेरे से कोई पूछेगा मास बताओ, तो मैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर नहीं बोल पाऊंगा मास के बराबर। तो सर अगर मुझे वॉल्यूम पता था तो इसमें मैं डेंसिटी ऑफ वाटर को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे को ये बात पता चल जाएगी कि कितना मास यहां से यहां तक आने में उड़ा था। ये बात कितने लोगों को समझ में आ गई, ये बात कितने लोगों को समझ में आ गई कि यहां से यहां तक आने में इतना मास ऑफ वाटर रिलीज उड़ गया है, और वो मास कितना है, V1 minus V2 into density of water के बराबर, ठीक है। तो मास ऑफ वाटर लॉस्ट फ्रॉम स्टेज वन से स्टेज टू इज इक्वल टू V1 minus V2 into density of water के बराबर, ठीक है सर। मतलब यहां पे पता करना है अगर आपको मास ऑफ वाटर कितना है, इस पूरे सैंपल में मास ऑफ वाटर कितना था। तो मैंने बोला इस पूरे सैंपल में अगर मास ऑफ वाटर निकालना है, तो टोटल वेट कितना था m1 के बराबर,
उसमें से अगर मास ऑफ सॉलिड अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे को मास ऑफ वाटर मिल जाएगा, ठीक है। तो टोटल वेट अगर m1 था उसमें से मास ऑफ सॉलिड अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, वो मास ऑफ वाटर मिल जाएगा। तो मेरे को यह पता करना था कि अब मास ऑफ वाटर इन स्टेट टू कितना है, तो इस पूरे स्टेज में जितना भी मास ऑफ वाटर है उसमें से जितना लॉस हो गया है वो माइनस कर दूंगा तो यहां का वैल्यू आ जाएगा। तो यहां टोटल कितना वाटर था, m1 माइनस md था, इसमें से कितना लॉस हो गया है, v1 माइनस v2 इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर लॉस हो गया है। तो ये देखो ये वैल्यू ये हो गई m1 माइनस md माइनस v1 माइनस v2 इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर के बराबर। बोलो अभी किसी को डाउट, अभी किसी को कोई भी डाउट, प्यार हो गया है जियोटेक से, चमक गया, चमक नहीं चाहिए था, नहीं चमकता तो फिर मतलब क्या इतनी मेहनत करने का, इतनी मेहनत करके तुमको बताने का मीनिंग क्या है अगर नहीं चमकेगा तो। ठीक है, चमक गया, किस क्या नाम था, रूपाली, तुमको बताना है, तुमको बताना है, तुम बताओगी तभी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर से लास्ट वाला, ठीक है फिर से लास्ट वाला बताते हैं, फिर से लास्ट वाला बताते हैं, मतलब लास्ट वाला ये बात कर रहा है मास ऑफ वाटर इन स्टेट टू बात कर रहा है, इसका मतलब इस स्टेज में कितना पानी बचा है, इस स्टेज में कितना पानी बचा है, वो पानी ये है, जितना भी पानी यहां था वो टोटल वाटर था और टोटल वाटर में से जितना उड़ गया है उतना पानी यहां बचा है। तो टोटल वाटर कितना था, बोला टोटल मास में से मास ऑफ सॉलिड खत्म कर दूंगा तो टोटल वाटर पता चल जाएगा कितना मास ऑफ वाटर बचा है, और उसमें से जितना उड़ गया है वो माइनस कर दूंगा तो यहां का मास आ जाएगा। बस वही लिखा हुआ है यहाँ पे वर्ड के फॉर्म में, m1 माइनस md माइनस v1 माइनस v2 इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर के बराबर। ठीक है, दिल खुश हो गया, चमक गया, बोलो रूपाली। ठीक है ठीक है ठीक है, अगर ये बात समझ में आ गई है, अगर ये बात समझ में आ गई तो ये कौन लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है श्रिंकेज लिमिट के बराबर, श्रिंकेज लिमिट, ठीक है, वाटर कंटेंट एट श्रिंकेज लिमिट। इसको लिखने का एक और तरीका देखो, मैंने इसको लिखने का एक और तरीका देखो, इसको लिखने का एक और तरीका यह है कि m1 माइनस md को ऐसा लिख सकता हूं, m1 माइनस md अपॉन में md माइनस v1 माइनस v2 मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय md लिख सकता हूं। हाँ सर लिख सकते हो, मैंने अगर ऐसा लिख सकता हूं तो देखो जरा यहां पे m1 माइनस md किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, मैंने बोला m1 माइनस md किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपने बोला ध्यान से देखो m1 माइनस md किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये m1 माइनस md रिप्रेजेंट कर रहा है मास ऑफ वाटर इन स्टेज नंबर वन, मास ऑफ वाटर इन स्टेज नंबर वन, m1 माइनस md इज मास ऑफ वाटर इन स्टेज नंबर वन और डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉलिड। तो आपको नहीं लगता है ये रिप्रेजेंट कर रहा है वाटर कंटेंट एट स्टेज नंबर वन, w1, वाटर कंटेंट क्या होता है, मास ऑफ वाटर अपॉन में मास ऑफ सॉलिड, तो मास ऑफ वाटर या वेट ऑफ वाटर अपॉन में वेट ऑफ सॉलिड, ये मास ऑफ वाटर अपॉन में मास ऑफ सॉलिड, तो ये वाटर कंटेंट एट स्टेज नंबर वन रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है सर, और ये हो गया इसका मतलब माइनस, ऐसे लिख सकता हूं वी वन माइनस वी टू मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉलिड के बराबर। ये एक और तरीका है श्रिंकेज लिमिट को वाटर कंटेंट फॉर स्टेज नंबर वन के फॉर्म में लिखने का। ठीक है सर, मैं ना ये बात बताओ, ये v2 को वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की टर्म्स में लिख सकता हूं, देखो जरा यहां पे, ये v2 को वॉल्यूम सॉरी vd की टर्म्स में लिख सकता हूं, वॉल्यूम ऑफ सॉइल इन ड्राई स्टेट, तो मैं इसको लिख देता हूं v2 को vd लिख सकता हूं, vd लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो मैंने लगा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, तो मैंने लगा अब आपके पास दो टर्म आ गई है, अब आपके पास दो टर्म है, अब आपको यह समझ में आ रहा है कि अगर आपसे श्रिंकेज लिमिट की बात करी जाएगी तो आप ये किसका फंक्शन है श्रिंकेज लिमिट, तो आपको समझ में आ गया कि ये m1 का फंक्शन है, मैंने ये v1 का फंक्शन है, ये मास ऑफ सॉलिड का फंक्शन है और ये वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉरी मास ऑफ सॉइल इन ड्राई स्टेट का फंक्शन है और वॉल्यूम ऑफ सॉइल इन ड्राई स्टेट का फंक्शन है। मैंने मास m1 और v1 तो आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लोगे, आपके दिमाग में बस ये डाउट होना चाहिए कि मास ऑफ सॉलिड, मास ऑफ सॉइल इन ड्राई स्टेट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉइल इन ड्राई स्टेट कैसे पता करेंगे, आपके दिमाग में बस ये दो डाउट होना चाहिए कि मास ऑफ सॉइल इन ड्राई स्टेट और वॉल्यूम ऑफ सॉइल इन ड्राई स्टेट कैसे पता करेंगे। ठीक है, ठीक सर, और ये पता करेंगे अब हम कल, ठीक है ये पता करेंगे अब हम कल, ठीक है ये बात समझ में आई, तो मतलब ये हम पता करेंगे कल कि हम कैसे देखने वाले हैं इसको। ठीक है, इसको हम लोग देखने वाले हैं
कैसे देखने वाले हैं वो बात करेंगे हम कल, ठीक है। दूसरी चीज ये लिंक अभी आपको एक्टिवेट हो गया है, देखो जरा आप जाके जो लिंक आपके कमेंट बॉक्स में है, ये अभी सेशन होगा रात को 11 बजे, ठीक है, क्योंकि मैंने 11 बजे का बोल रखा था कि मैं कल टाइम नहीं निकाल पाऊंगा, क्योंकि कल मेरे को आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराना है, ठीक है। जल्दी से 100 लाइक कर दो, नहीं कर पाएगा कोई भी 100 लाइक। मैंने बोला यही चीज़ से बस मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, मास ऑफ सॉलिड और मास ऑफ सॉलिड स्टेट, बेटा MD सब जगह सेम ही है, तो मास ऑफ सॉइल इन ड्राई स्टेट या मास ऑफ सॉलिड क्या सेम नहीं होगा, बोलो हाँ या ना, जल्दी से बताओ, मास ऑफ सॉइल इन ड्राई स्टेट और मास ऑफ सॉलिड सेम नहीं होगा, बोलो हाँ या ना। V2 इज इक्वल टू Vs प्लस VA होगा ना, V2 इज इक्वल टू Vs प्लस VA, V2 इज इक्वल टू Vs प्लस VA, यस बिल्कुल होगा। तो ये वॉल्यूम VD का मतलब क्या है यहां पे, ये VD का मतलब है वॉल्यूम ऑफ सॉइल इन ड्राई स्टेट, VD का मतलब है वॉल्यूम ऑफ सॉइल इन ड्राई स्टेट, तो VD इज इक्वल टू Vs प्लस VA ही हो रहा है, ठीक है। ठीक है तो आई वुड सजेस्ट एवरी वन ऑफ यू टू अटेंड द क्लास, टू अटेंड द सेशन एट 11 PM। अभी जो हम लोग सेशन रखने वाले हैं, हाफ एन आवर में मैं मिलूंगा आपको, ठीक है। तो हाफ एन आवर में मिलिए मेरे को इसी चैनल पे, बात करते हैं जो भी आप लोगों का प्रॉब्लम है, जो भी आप लोग फेस कर रहे हो प्रॉब्लम, मेरे को पता है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक स्टूडेंट क्या सोच रहा होगा, क्योंकि आप अपने इंडिविजुअल कितने भी फ्रेंड से बात करते होगे, मैक्सिमम 10 लोग से बात करते होगे आप अपने प्रिपरेशन के बारे में, वो भी नहीं करते होगे डर के मारे कि उसका ज्यादा चल रहा होगा, बट मैं ऐसे रोज शायद 50 लोग से बात कर रहा हूँ, तो आई नो कि किसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रहा है और वो उसको कैसे सॉर्ट कर रहा होगा, तो बात करेंगे क्या। और आप तो बताए, ठीक है, ठीक, एक बार KBC करा दें फिर से, ठीक है। बुक कौन सी रेफर करें सर, जियोटेक का बुक कौन सा रेफर करना है, मैं ना अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बुक रेफर करना है तो KR अरोरा कर लो, सॉल्वड क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस करना है तो, एल्स अगर आपको थ्योरी पे बहुत अच्छा कमांड होना करना है तो क्रैग करके एक फॉरेन ऑथर है, क्रैग जिनसे मैं जिनका बुक पढ़ता हूँ, तो क्रैग देखोगे तो कम शब्दों में ज्यादा बातें बोली गई है, लेकिन आपको बार बार वो बुक पढ़ना पड़ेगी, तो आप क्रैग मत फॉलो करो, आप केवल वही फॉलो कर लो, KR अरोरा फॉलो कर लो, ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, मिलता हूं मैं आप लोगों से कितनी बजे, 11 बजे मिलता हूं, और बात करना स्टार्ट करते हैं उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, 11 बजे मिलते हैं और वहीं पर बात करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए मैंने आपको बताया कि अभी जो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, ये जो लोग अगर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आप लोग हैं, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप फिर भी आपके लिए बेस्ट तो प्लस ही है, तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो प्लस लेना चाहिए, नहीं अफोर्ड कर सकते तो ये कॉम्बैट है, 28 जून को ये कॉम्बैट होगा, तो आपको इसमें रजिस्टर करना है यूजिंग द कोड Prateek101 एंड गो फॉर इट, ठीक है। दिस इज माई लिंक, यू कैन फॉलो मी ओवर द Unacademy लर्निंग ऐप हियर, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, मिलता हूँ आप लोगों से 11 बजे गजब के सेशन के साथ, ठीक है। तो कल जियोटेक की कब प्रैक्टिस सेशन होगा, बेटा मैं बनाऊंगा शेड्यूल उसके बाद बताऊंगा। पुनमिया बुक कैसा है, बेटा मैंने पूरा बुक नहीं पढ़ा है पुनमिया, तो मेरे को बहुत आइडिया नहीं है पुनमिया के बारे में, ठीक है। पुनमिया कैसा है, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा है तो आई डोंट हैव एनी आइडिया, ठीक है। तो पुनमिया के बारे में मैं कुछ भी नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि मैंने उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कभी नहीं किया है, ठीक है। तो पुनमिया के बारे में मैं कुछ भी नहीं बोल पाऊंगा, मैंने जो बुक पढ़ा है मैंने आपको उसके लिए बता दिया कि अगर आपको थ्योरी स्ट्रांग करना है और आपको लगता है कि हाँ आप कम बात में ज्यादा बातें समझ जाते हो, ठीक है, ठीक। तो मिलते हैं आप लोगों से 11 बजे, मिलते हैं आप लोगों से 11 बजे, ठीक है, और ठीक है फिर बात करेंगे, बोला आपने क्या आपके अंदर वो आग बची है कि नहीं बची है जो आपने जब स्टार्ट किया था वैसी बात को, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से 11 बजे, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, टिल देन बाय बाय।